तो नमस्कार सारे व्यूअर्स से और जुड़ गए हैं इस लाइव मैच में। थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा देरी में जुड़े हैं मगर जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया ग्राम क्रिस पे मौजूद है। 10 ओवर 77 रन काफ़ी अच्छा स्कोर है ये शुरुआत, मगर अभी भी 59 गेंदें बची है। एलिसा पैरी गेंदबाजी करने आई है, स्ट्राइक पे है मैगन डुप्रीज। यहाँ पर एक ही ओवर में 4 चौके लगा दिए थे मैगन डुप्रीज ने। 22 गेंदों में 29 रन बनाकर खेल रही हैं। यहाँ से एलिसा पैरी की अगली गेंद, दूसरी गेंद इस ओवर की 11वें ओवर की, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 77 रन 2 विकेट नुकसान पर हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। यहाँ पर 54वां मुकाबला है ये यहाँ पर सिडनी सिक्सर और हॉबार्ट हरिकेन्स के बीच में। इसके बाद 2 और मुकाबले होने, उसके बाद लीग का पता लग जाएगी भाई पॉइंट्स टेबल में कौन किस पायदान पे है। यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पॉइंट्स टेबल में बने रहना है तो ये मुकाबला जीतना ही पड़ेगा। तो क्या जीत पाएंगे यहाँ पर देखना होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पर्स, देखिए पर्स ऐसा लग नहीं रहा, पर्स कॉचर जो है वो प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आज अपना मुकाबला जो है वो हार गए थे मेलबर्न रेनेगेड्स से, इसीलिए आज के इस मुकाबले में यहाँ पर इस गेम की जो है अहमियत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इस बीच मैगन डुप्रीज को बढ़िया ये शॉट है, तीसरी गेंद में चौका बटोरा। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 81 रन 3 विकेट नुकसान पर 10.3 गेंदों के बाद। मुकाबला काफ़ी बढ़िया और मैगन डुप्रीज 33 रन बनाकर खेल रही हैं यहाँ पर 10.3 गेंदों के बाद। तो यहाँ पर चौका बटोर लिया इस तीसरी गेंद पर। अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी होती है। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। उम्मीद है यही है कि एक ज़बरदस्त खेल देखने को मिल जाए। यहाँ पर आप आए, दिल खुश हो गया भाई, बिल्कुल थैंक यू भाई, दिल तो खुश हो गया क्योंकि थोड़ा सा लेट आए हैं, मगर कोशिश करेंगे कि आप सबको कमेंट्री जो है बेहतर सुनाएं। यहाँ पर अगर बात करें इस पिच पे, तो पिच पे बल्लेबाजी करना काफ़ी आसान है ये, और इस पिच पे देखिए हाइएस्ट जो है काफ़ी 160 रन बनते भी हैं और प्लस चेज भी होते हैं। यहाँ पर बात करें स्कोर के, तो 81 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर। स्ट्राइक पे मौजूद हैं यहाँ पर बल्लेबाज जो है यहाँ पर मौजूद हैं मैगन डुप्रीज। एलिसा पैरी कर रही है गेंदबाजी, सिडनी का ये ग्राउंड है और बहुत ही बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है ये। अगली गेंद पर मैगन डुप्रीज को ऑस्टन की तरफ सफल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक और चौका है इस ओवर की गेंद पर और एक और चौका बचोड़ लिया इस गेंद पर। बढ़िया ये शॉट है, इस शॉट में ताकत भी है और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में गेम आगे को भी बढ़ रहा है। 85 रन 3 विकेट नुकसान पर 10.5 गेंदें हो चुकी हैं। यहाँ पर स्कोर हो चुका है मैगन डुप्रीज का 37 रन 26 गेंदों का सामना किया है। आखिरी गेंद है 11वें ओवर की, देखना होगा किस तरीके से खेलेंगे इस गेंद को। एलिसा पैरी की ये गेंद, सामने मौजूद मैगन डुप्रीज इस ओवर में 9 रन बटोर चुकी हैं। अगली गेंद आखिरी गेंद, इस पर कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 11 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन 3 विकेट नुकसान पर यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। अगर यहाँ से मुकाबले को आगे लेके जाना है तो रन बनाने पड़ेंगे, तो क्या रन बना पाएंगे अब देखने वाली बात यही पे, यहाँ पर यही होगी कितना स्कोर यहाँ से बनेगा। सर जी आपने वर्ल्ड कप में कमेंट्री क्यों नहीं की? सर जी क्या बताएं, परमेश होगा भाई, यहाँ पर अगर वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते तो फिर हम कमेंट्री करने लायक बचते नहीं, इसलिए कमेंट्री वहाँ पर अलाउड नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाए। कॉपीराइट का डर था इसलिए नहीं कर पाए, मगर अब कोशिश कर रहे हैं जो भी मैचेज आ रहे हैं, इंडिया के मैचेज आ रहे हैं या फिर कोई भी लीग के मैचेज आ रहे हैं, सारे मैचेज की कमेंट्री करना चाहेंगे। और 11 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यहाँ पर अब 86 रन यहाँ पर बन चुके हैं, 85 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर अभिषेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक भाई, कैसे हैं? मुकाबले में हॉबार्ट हरिकेन्स जो है वो अच्छी पोजीशन में लग रही है, क्योंकि देखिए 11 ओवर में 85 रन बने हुए हैं और ध्यान रखिएगा इस पिच पे रन बनते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं क्या होता है, बॉल्टन आई है गेंदबाजी करने के लिए, स्पिनर गेंदबाज बॉल्टन को हाथ, बॉल्टन के हाथ में गेंद और स्पिनर गेंदबाज ऑस्टन के बाहर, ये गेंद ड्राइव लगाया इस गेंद पर हैदराबाद ने, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 86 रन 3 विकेट नुकसान पर। अब देखना होगा किस तरीके से गेंद चलता है। चलते हैं जरा, यहाँ पर 86 रन बन चुके हैं 3 विकेट नुकसान पर। अगर बात करें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब जो है 53 गेंदें बची हैं इस पारी की। मैगन डुप्रीज हैं स्ट्राइक पर, हैदराबाद को अगली यहाँ पर जो है अब बॉल्टन की अगली ओवर की, इस ओवर की अगली गेंद और ड्राइव लगाया इस गेंद पर, 1 रन बटोरा यहाँ पर मैगन डुप्रीज ने। स्ट्राइक पे आ गई है यहाँ पर हैदराबाद, तो हैदराबाद और मैगन डुप्रीज कोशिश ये करेंगे अगले 5 ओवर जो है वो यहाँ पर रन बनाए जाए। अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर रन बनाते हुए नजर आती है। स्कोर हो चुका है 87 रन 3 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद बॉल्टन के इस ओवर की, सामने मौजूद हैदराबाद क्या करेंगे। अगली गेंद पर लेग स्टंप पर एक गेंद थी, कलाई गुजारे खेल दिया इसको मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद वहाँ पर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 87 रन 3 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है इस मुकाबले में। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर हैदराबाद खेलेंगे इस ओवर की चौथी गेंद, 12वें ओवर के, एक बार फिर से शॉट पीछे गेंद, कट कर दिया इस गेंद को,
गेंद जाती हुई यहाँ पर कवर की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहाँ पर जो है मैगन डुप्रीज। मैगन डुप्रीज काफ़ी अच्छा खेल यहाँ पर दिखा रही है, एक छोर से संभल के बल्लेबाजी कर रही है और तेज़ बल्लेबाजी कर रही है। अगर स्ट्राइक रेट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट लग रहा है। अगर यहाँ से हॉबार्ट हरिकेन्स को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो यहाँ से जो मैगन डुप्रीज की एक पारी चाहिए, मैगन डुप्रीज से एक बड़ी पारी चाहिए, क्या बना पाएंगे देखना होगा। यहाँ पर सामने मौजूद यहाँ पर जो है मैगन डुप्रीज एक बार फिर से है, बॉल्टन की गेंद, लेग स्टंप पे गेंद थी, स्वीप कर दिया इस गेंद को और यहाँ पर कैच आउट होती हुई, कैच आउट हो गई है मैगन डुप्रीज। एक और झटका लगता हुआ हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम को, यहाँ पर मैगन डुप्रीज आउट होती हुई, स्कोर हो चुका है 88 रन 4 विकेट नुकसान पर। मैगन डुप्रीज बढ़िया बल्लेबाज है, 29 गेंदों में 38 रन बनाकर 7 चौके लगाकर यहाँ से पवेलियन जाती हुई और हॉबार्ट हरिकेन्स को लग गया एक और झटका। आप सब लोग जो है डेल्टिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लेक्चर में मैंने पिन कर दिया है। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। यहाँ पर 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लिंक को क्लिक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक चैनल मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए। रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपना जो है पासवर्ड बनाइए, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन सेवन ऐप पे। डेल्टिन सेवन पे अगर आप कोई भी प्रमोशन ऐड नहीं करते, मतलब आप कोई भी बोनस नहीं लेते हैं, तो आप एक क्रिकेट में जाकर जो है वो लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, टू साइड बैट कर सकते हैं, क्योंकि टू साइड बैट अवेलेबल हो चुकी है डेल्टिन सेवन ऐप पे। और पहले भी थी, मगर कई कई बार कन्फ्यूजन होती थी कि लोग बोनस ऐड करते थे, मगर अब यहाँ पर ऑप्शन हो गया कि अगर बोनस ऐड नहीं करेंगे तो आपको टू साइड बैट और दोनों साइड बुक लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं। तो जाइए खेलिए और जीतिए डेल्टिन सेवन ऐप में। अच्छी बात यह कि विड्रॉल जो है 15 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो निकोला कैरी बल्लेबाजी करने आई है, देखते हैं निकोला कैरी किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। सर जी रेलवे में लोको पायलट हूँ, चाय और जलेबी के साथ ट्रेन में आपकी कमेंट्री सुन रहा हूँ। थैंक यू भाई परमेश भाई, लोको पायलट हैं आप, बढ़िया चाय के साथ जलेबी साथ हमारे इंजॉय कर रहे हैं भाई, चलो बढ़िया है। कौन से रूट पर चलते हैं बता दीजिएगा आप। अभिषेक शर्मा जी कह रहे हैं सर जी कौन जीतेगा। अभिषेक भाई देखिए यहाँ तो सिडनी सिक्सर का पलड़ा भारी है, मगर देखिए मेरे हिसाब से सिडनी सिक्सर को जीतना चाहिए क्योंकि जरूरत भी है, हॉबार्ट हरिकेन्स हारेगी तभी तो एडिलेड स्ट्राइकर की जगह बनेगी। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज निकोला कैरी, निकोला कैरी को अगली गेंद, इस बार इस पर बॉल्टन की ऑफ स्टंप पे गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया इस गेंद को, एक रन यहाँ पर चौका मिलता हुआ निकोला कैरी को और हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर पहुंचता हुआ 93 रन 4 विकेट नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के बाद। बढ़िया ये शॉट था, इस बार देख लिया कि वहां भाप लिया था कि ऑफ स्टंप पे ये गेंद उसको फाइन लेग की दिशा में खेल कर बाउंड्री बटोरी है। यहां पर अगर बात करें यहां से कम जो है वो 48 गेंदें बची हैं इस पारी की और 48 गेंदों में कोशिश यही है कि 160-170 तक पहुंचा जाए, क्योंकि ये पिच पे रन बनते हैं, चेज करना काफ़ी आसान रहता है इस पिच के ऊपर। तो जितना स्कोर आप बनाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके और आपकी टीम के लिए। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, किस तरीके से ये खेल चलता है और किस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया मुकाबला होना चाहिए और दोनों टीमें जो है ज़बरदस्त तरीके से खेलनी चाहिए। अब आगे देखना होगा किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। अगर स्कोर की बात की जाए तो स्कोर हो चुका है 93 रन 4 विकेट नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति के साथ। डेल्टिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 200 रुपये है, यहाँ 100 रुपये है। यहाँ पर केट पेटरसन आ चुकी हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद इस गेंद पर हैदर ग्राम ने सिंगल लिया, स्ट्राइक पे आगे है निकोला कैरी। यहाँ से निकोला कैरी और हैदर ग्राम को अगली 47 गेंदें जो है वो खेलनी होगी, क्योंकि अगले 47 गेंदों में अगर 60 रन भी जोड़ते हैं या 70 रन भी जोड़ते हैं तो यहाँ से कम जो है 160 तक पहुँच जाता है। 160 का स्कोर जो है इस पिच पे काफ़ी बढ़िया है और सिडनी सिक्सर की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी है इस टूर्नामेंट में। सिडनी सिक्सर की बल्लेबाजी काफ़ी अच्छी रही है, मगर हॉबार्ट हरिकेन्स की गेंदबाजी भी ख़राब नहीं है, स्पिनर गेंदबाज काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, मगर अब देखना होगा आज किस तरीके से गेम चलता है। दायां की तेज गेंदबाज केट पैटरसन कर रही है गेंदबाजी, अगली गेंद निकोला कैरी को, दूसरी गेंद है 13वें ओवर की। सामने मौजूद निकोला कैरी एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के सारे खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर, स्कोर हो चुका है 95 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मगर यहाँ पर एक और रन तेजी से दौड़ते हुए, थोड़ा सा गैप मिला वहाँ पर, फील्डर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहाँ पर, 2 रन दौड़ लिए यहाँ पर जो है निकोला कैरी ने और 2 रन और आते हुए। यहां से अब अगली गेंद, इस बार तीसरी गेंद, सामने मौजूद बल्लेबाज निकोला कैरी, केट पैटरसन की ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद एक बार फिर से यहां पर राउंड द विकेट स्टंप गेंदबाजी कर रही है, यॉर्कर ये गेंद थी, इस बार बल्ला लगाया ज़रूर मगर यहां पर विकेट कीपर ने गेंद को पकड़ लिया और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर,
स्कोर अभी भी 97 रन 4 विकेट नुकसान पर। दबाव दबाव की अगर बात की जाए तो दबाव अभी भी है यहाँ पर, अभी भी दबाव देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया, देखिए यहाँ से एक बेहतर मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगी। दोनों टीमें अच्छा खेल भी रही हैं यहाँ पर, दोनों टीमें जब अच्छा खेलती है तो मज़ा आता है गेम को देखने में। अगली गेंद बार निकोल बॉल्ट यहाँ पर जो है पेटरसन की, इस बार फ्लोलन की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया हैदरग्राम ने। 1 रन मिलेगा इस गेंद पर और स्कोर पहुंच जाएगा यहां पर 98 रन 4 विकेट नुकसान पर। 12.4 गेंदें हो चुकी हैं तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को जरूर लाइक करिएगा। 27 लाइक हो चुके हैं, 23 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा 50 लाइक का। थोड़ा सा देरी से जुड़े हैं आज, माफ़ी चाहेंगे इस चीज़ के लिए। और यहाँ पर निकोला कैरी है स्ट्राइक पर, फिर से और करिए गेंद है, बढ़िया ये गेंद है, इस बार बोल्ड कर दिया निकोला कैरी को यहाँ पर केट पैटरसन ने। यॉर्कर गेंद थी, बल्ला लगाया जरूर इनसाइड एज लगा और गेंद जाके स्टंप से टकराई और विकेट, और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर, बढ़िया ये विकेट मिला है यहाँ पर केट पैटरसन को। राउंड द स्टंप गेंदबाजी कर रही है और काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी थी यहाँ पर, जाके गेंद जाके स्टंप से टकराई है और विकेट मिल गया यहाँ पर केट पैटरसन को। निकोला कैरी 4 गेंदों में 7 रन बनाकर वापस जाती हुई, 98 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम का। ज़बरदस्त ये खेल देखने को मिल रहा है क्योंकि जितने की शुरुआत थी हॉबार्ट हरिकेन्स की, उसके बाद मिडल ओवर में जल्द से जल्द विकेट खोती रही है ये टीम, मगर अभी ज़रूरत है एक पार्टनरशिप क्योंकि 43 गेंदें बची है इस पारी की और कोशिश यही है कि 43 गेंदों में कम से कम रन यहाँ से बनाए जाए, रनों को बटोरा जाए। तो क्या बटोर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर रुथ जॉनसन आई है, रुथ जॉनसन बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं। 12.5 गेंदें हो गई हैं, 98 रन 5 विकेट नुकसान पर हॉबार्ट हरिकेन्स का स्कोर है। अब देखना होगा किस तरीके से ये गेम जो है वो आगे बढ़ता है और किस तरीके से गेम चलता है, क्योंकि यहाँ से अगर 150 रन ना बने तो इस पिच के ऊपर तो आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा डिफेंड करने के लिए। रुथ जॉनस्टन आई है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। अब अगली गेंद केट पैटरसन के इस ओवर की, सामने मौजूद रुथ जॉनस्टन यहाँ पर खेलेंगी आखिरी गेंद इस ओवर की। सामने एक बार फ्लोलन की गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा इस बार रुथ जॉनस्टन को। स्ट्राइक पे आ गई है हैदरग्राम और रुथ जॉनस्टन के ऊपर जिम्मेदारी है कि यहाँ से बची हुई 42 गेंदें जो हैं वो खेलें। अगर 42 गेंदें यहाँ से खेलते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा और काफ़ी बढ़िया ये मुकाबला रहेगा। अब डिपेंड करता है किस तरीके से ये गेम जो है वो आगे बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला हो गया है शुरू और उम्मीदें यही है कि ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए। क्या खेल देखने को मिलेगा देखने वाली बात होगी। यहाँ पर अभी भी 42 गेंदें बची हैं इस पारी की और व्यूअर्स जो है चाहेंगे कि यहाँ से एक बड़ा स्कोर खड़ा हो, एक अच्छा खासा मुकाबला जो है वो देखने को मिल जाए। आने वाली बल्लेबाजी उतनी कुछ खास बची नहीं है हॉबार्ट की, उम्मीदें यही है एक ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो चले। यहाँ से 42 गेंदें बची हैं इस पारी की, देखते हैं इस 42 गेंदों में कितने रन जो है बनते नजर आएंगे। दिलीप माही भाई कह रहे भाई किसके साथ हो भाई, हम तो सिडनी सिक्सर के साथ है भाई। एशली गार्डनर को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए 14 ओवर की। इस बार पहली गेंद पर ड्राइव लगा दिया इस गेंद पर हैदरग्राम ने, गेंद जाते हुए सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज जो है अब जॉनस्टन, रुथ जॉनस्टन आ जाएंगे स्ट्राइक पर। जॉनस्टन देखिए जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं, बड़े बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं, मगर यहाँ ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है रुकने की। अगर आप रुकेंगी आगे तक तो गेम काफ़ी अच्छा चलेगा। इस बार फिर से ऑस्टन के ये गेंद थी, कट कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी यहाँ पर जो है वो 99 रन 5 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद इस बार तीसरी गेंद इस ओवर की, सामने मौजूद यहाँ पर जॉनसन, एक बार स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया ये शॉट है, बढ़िया ये शॉट है, एक बार स्वीप करा था इस बार डीप मिड विकेट दिशा में, चौका बटूरा यहाँ पर जो है रुथ जॉनस्टन ने और यहाँ पर स्कोर पहुँचाया अपनी टीम का 103 रन यहाँ पर 5 विकेट नुकसान पर। ज़रूरत थी बड़े शॉट की, वैसे ज़रूरत नहीं है, मगर रुथ जॉनस्टन जो है बड़े शॉट लगाना पसंद करती हैं और बड़े शॉट लगाया भी और चौका बटोरा है इस गेंद पर। अगर स्कोर की बात की जाए तो 103 रन बन चुके हैं यहाँ पर 5 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद पर फिर से ऑस्टम पे गेंद थी, कट किया था इस गेंद को, मगर आउटसाइड एज लगा और गेंद गई शॉर्ट रन की दिशा में, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर रुथ जॉनस्टन को। और रुथ जॉनस्टन अगर यहाँ पर 4-5 ओवर खड़ी रही तो एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता नजर आएगा यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की ये टीम। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, सामने मौजूद रुथ जॉनस्टन गेंदबाजी यहां पर कर रही हैं, स्पिनर गेंदबाज एशली गार्डनर के ओवर की अगली गेंद, फिर से शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया गेंद को,
गेंद जाती हुई सीधा स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। एक और चौका इस ओवर में आता हुआ यहां पर बल्लेबाज रुथ जॉनस्टन के बल्ले से, शॉर्ट से शॉर्ट पिच गेंद थी है, उसको पुल कर दिया और चौका बटोर लिया स्क्वायर लेग दिशा में, चार रन आते हुए इस गेंद पर और स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ये गेंद थी, मगर उससे बढ़िया ये शॉट है यहाँ पर रुथ जॉनस्टन के बल्लेबाजी में। अगली गेंद एशली गार्डनर के ओवर के बाद फिर से बड़ा शॉट खेला, गेंद को खेल दिया और डीप मिड विकेट दिशा में, मतलब यहाँ पर फील्डर मौजूद है, इस बार एक ही रन मिलेगा यहाँ पर रुथ जॉनस्टन को। और सामने मौजूद है, सामने मौजूद होंगी बल्लेबाज यहाँ पर जो है अब हैदर ग्राम, मगर इसका ओवर खत्म हो चुका है। स्ट्राइक पे होंगी अब रुथ जॉनसन। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 160 रन 5 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है हॉबार्ट हरिकेन्स का। यहाँ पर उनमें जुड़ चुके हैं, विकेट मांग रहे हैं, आप बहुत अच्छा कमेंट्री करते हैं, धीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं थैंक यू सर जी। पिंकी शर्मा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, कह रही है गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, हाउ आर यू। पिंकी शर्मा जी बढ़िया हैं, आप बताइए। गुड मॉर्निंग, हम भी बढ़िया हैं, आप बताइए। आजकल यार बड़ा जबरदस्त चल रहा है ये खेल। और सर दूसरा मैच कौन होगा भाई? मोटिवेशन वीडियो भाई, दूसरा मैच में देखिए, दूसरा मैच थंडर का मैच है यार, और दूसरा जो मैच चल रहा है वहाँ पर तो देखिए बारिश का साया, क्योंकि उस ग्राउंड में बारिश हो रही है। पहला मैच भी 8 ओवर का हुआ है, इस बार मुझे लग रहा है कि शायद ये मुकाबला भी थोड़ा सा जो है बारिश के चलते थोड़ा सा कम ओवर का ही हो सकता है दूसरा मुकाबला भी। सर दूसरा मैच क्या हो भाई, बता दिया आपको यहाँ पर। और बकवास कम करो भाई, मोहम्मद जुनेद भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बकवास बिल्कुल आप कम करेंगे मोहम्मद जुनेद भाई, जिंदगी सफल रहेगी और ऊपर वाला फिर आपको बरकत देगा। इसलिए कहते हैं जुनेद भाई बकवास ना करिए, बकवास जितना भी कम करेंगे आप, अच्छी बात आपकी अच्छी सोच है मोहम्मद जुनेद भाई कि आप बकवास कम करेंगे, ऐसे ही बकवास कम करते रहिए, जिंदगी सफल रहेगी आपकी। ज़्यादा बकवास करेंगे फिर देखिए कुछ मिलेगा नहीं जिंदगी में आपको। यहाँ पर सेठू भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग भाई सेठू भाई, कैसे हैं आप किसकी तरफ है भाई? यहाँ पर पवित्र भाई, बोरा भाई, पवित्र भाई, हम तो व्यूअर के साथ, जो व्यूअर कहते हैं उन्हीं के साथ हो जाते हैं। यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज पैरी आई है और इस ओवर की हो चुकी है पहली गेंद जो है वो डॉट गेंद थी, बड़ा शॉट लगाने गई थी यहाँ पर रुथ जॉनस्टन, और यहाँ पर बीट हो गई थी इस गेंद पर। और अच्छी बात यह है कि तेज़ गेंदबाजों पर भी बड़ा शॉट खेल रही हैं, क्या यहाँ से शायद सोच यही है कि अगले 4-5 ओवर जो है बड़े शॉट लगाए जाएं और रन को बटोरा जाए यहाँ पर। यहाँ पर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, सामने मौजूद यहाँ पर बल्लेबाज यहाँ पर रुथ जॉनसन, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश, इस बार बल्लेबाज ने थोड़ा दूर रखा था गेंद को और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 108 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14.2 गेंदों के बाद। मोहम्मद जुनेद भाई कह रहे भाई सॉरी गलती से लिखा उठा था भाई, जिंदगी में मोहम्मद जुनेद भाई गलती जब होती है ना, गलती किसी से होती है तो गलती जानबूझ के की जाती है, जानबूझ के की हुई गलती है भाई। जब आदमी लिखता है ना तो कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स ऑटोकरेक्ट होते हैं, ऑटोकरेक्ट भी ना हो तो कम से कम इंटेंशनली लिखा है, कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया आपको यार व्यूअर है। अब चलिए यहाँ पर चलिए हमारे साथ मुकाबले पबजी लवर भाई कह रहे हैं आउट हो जाएगा, ठीक है भाई, भाई सवाल पूछने इनाम दो प्लीज़ भाई। जुम्मे जुनेद भाई ऐसे इंसानों को इनाम नहीं दिया जाता, बकवास जो बकवास करता है उसको इनाम को दिया जाएगा फिर यार। चलते हैं जरा मुकाबले की तरह, एक और विकेट लीजिए, रुथ जॉनस्टन भी यहां पर आउट हो गई है, थोड़ा सा शॉर्ट पिच गेंद थी कट करने गई, आउटसाइड एज लगा, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में फील्डर मौजूद, यहां पर कैच आता हुआ और विकेट गिरता हुआ होबार्ट का, स्कोर हो चुका है यहाँ पर 14.3 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है यहाँ पर 108 रन 6 विकेट नुकसान पर। दो गेंदें जो है डॉट हुई हैं और उसके बाद जो है विकेट आ गया। सर जी ऐसे पागल लोगों से डिलीट कर दिया करो, गलत कमेंट करते हैं भाई, कोई बात नहीं प्रवेश होगा भाई, गलत कमेंट करते हैं तो हम जवाब भी अच्छा देते हैं इसलिए लोग सॉरी बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग भाई कैसे हो, मुंबई बदायपुर से हूँ। आकाश शशिंदे भाई बढ़िया हूँ, गुड मॉर्निंग आपको भी भाई, सुबह सुबह का टाइम में बढ़िया मुकाबला चल रहा है, मगर होबार्ट थोड़ा सा ज़्यादा जो है इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, जल्दबाजी कर रहा है क्योंकि जल्दबाजी का टाइम अभी है नहीं, क्योंकि 14.3 गेंदें हो चुकी हैं और आपने यहाँ पर 6 विकेट खो दिए 108 रन पे, तो यहाँ से अगर दो ओवर भी आराम से खेलते, लास्ट के 3 ओवर को टारगेट करते तो यहाँ पर 160 रन तक पहुँच सकती है, मगर यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स जो है वो बड़ा स्कोर बनाने के चक्कर में जो है अपनी विकेट जो है वो खो रही है। स्कोर हो चुका है यहाँ पर नौमी स्टेलबर्ग जो है वो बल्लेबाजी करने आई है, थोड़ी बहुत अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेती है और नौमी स्टेलबर्ग, अब देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और यहाँ पर बढ़िया मुकाबला चल रहा है, अविनाश पटेल भाई कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अविनाश भाई कैसे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें इस मुकाबले की, 14.4 गेंदें हो चुकी हैं, एलिसा पैरी बढ़िया गेंदबाजी कर दी है, नौमी ने आते ही सिंगल लिया और स्ट्राइक पर पहुँच गई है हैदर ग्राम। यहां से कोशिश ये होगी भाई कि अगले जो बचे हुए कुछ ओवर्स हैं, मतलब जो 32 गेंदें हैं,
इनमें कम से कम 40 रन या 45 रन बनाकर 50 रन बनाकर स्कोर को 160 तक पहुंचाया जाए, मगर यहां से विकेट जो है सिर्फ आपके हाथ में 4 है। तो यहां से विकेट नहीं खोनी है, रन बनाने हैं। हैदराबाद है स्ट्राइक पर, अगली गेंद इस बार एलिसा पैरी की ओवर की 5वीं गेंद, सामने मौजूद हैदराबाद, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे, पर देखना होगा। इस बार लो फुल टॉस ये गेंद थी, कलाइयों के सारे सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आ गई है यहाँ पर बल्लेबाज जो है नॉमी स्टर्लबर्ग जो है वो अच्छी खासी खिलाड़ी है, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करती हैं। अब देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है यहाँ पर। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है, देखते हैं यहाँ से मुकाबला किस तरीके चलता है। अगर बात करें यहाँ पर इस मुकाबले की तो अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। एक बार फिर से शॉर्ट पिच ये गेंद थी और सीधे बल्ले से डिफेंस कर दिया इस गेंद को, पॉइंट की दिशा में ये गेंद गई, कोई रन नहीं मिलेगा। 44 लाइक हो चुके हैं, अगर 6 भाई और लाइक कर दे तो 50 लाइक पूरे हो जाएंगे हमारे इस मुकाबले में। और यहाँ पर देखना होगा क्योंकि अब यहाँ से सिर्फ 30 गेंदें बची हैं, 30 गेंदों में अगर यहाँ से 40 रन भी जोड़ते हैं तो 150 तक पहुँचती है ये टीम। तो 150 स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है, मगर 160 प्लस स्कोर होगा इस ग्राउंड पे तो काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए काफ़ी अनुकूल लग रही है। यहाँ से थोड़ा सा जो है अब रनगति को बढ़ाना होगा, क्या बढ़ा पाएंगे अब देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर देखते हैं गेंदबाजी करने कौन आएगा, आखिरी की 30 गेंदें बची हुई हैं, उसके बाद आप सब मत भूलिएगा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मुकाबला आज होने वाला है इसी चैनल पे, आप सबको मिलेगी कमेंट्री। यहाँ पर एक बार फिर से स्पिनर गेंदबाज बुलाया गया है बॉल्टन को, बॉल्टन की एक गेंद खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में, 4 रन आते हुए यहाँ पर जो है हैदराबाद के बल्ले से निकलता हुआ चौका, सनसनाता हुआ चौका ये, और जरूरत थी और काफ़ी हद तक गैप भी दिया था यहाँ पर निकोला बॉल्टन ने। लेग स्टंप पे ये गेंद थी और डीप मिड विकेट दिशा में खेल दिया हैदराबाद ने और चौका बटोरा और यहाँ पर इस गेंद पर, और बढ़िया ये शॉट था हैदराबाद का, थोड़ा सा देखा कि बॉल छोटी है और पुल कर दिया इस गेंद पर। चलिए चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, एक बार फिर से लेग स्टंप पे ये गेंद को कलाइयों के सारे, हल्का तो सिंगल लेकर स्ट्राइक दिया यहाँ पर नॉमी स्टर्लबर्ग को, स्कोर पहुंच जाएगा यहाँ पर 115 रन 6 विकेट नुकसान पर। 16वां ये ओवर है और उसके बाद सिर्फ 28 गेंदें बची हैं इस पारी की, और कोशिश ये है कि बड़े बड़े शॉट लगाए जाएँ, क्या बड़े शॉट लग पाएंगे अब देखने वाली बात होगी। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर अब जो है नॉमी स्टर्लबर्ग, अगली सिर्फ 4 गेंदें हैं इस ओवर की, क्या एक आधा बड़ा शॉट लगाएंगे या फिर कुछ जो है मुकाबला का। मिश्रा जी, विच ऐप इज बेटर फॉर बैटिंग नाउ, आई एम यूजिंग वनस बैट विद, व्हाट अबाउट डेल्टिन 7? भाई देखिए डेल्टिन 7 पे पिंकी शर्मा जी, डेल्टिन 7 पे आप 2-साइड बैट अवेलेबल है और हमारे लिंक के थ्रू अगर आप आईडी क्रिएट करती हैं और डेल्टिन 7 पे खेलते तो 2-साइड बैट और लॉस कट बुक सेट अवेलेबल है पिंकी शर्मा जी। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको कोई प्रमोशन ऐड नहीं करना है, मतलब आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा, आपको कोई फर्स्ट टाइम बोनस नहीं मिलेगा, आपको बोनस लेना ही नहीं है। जब आप बोनस नहीं लेंगे तो आपके आईडी पे 2-साइड बैट अवेलेबल रहेगा। अगर बोनस लेने गई, कोई भी बोनस लिया, आपको सिर्फ आईडी खोलनी है, डिपॉजिट करना है, 1 रुपये जाना है, खेलना है, विड्रॉल करना है, ये 3-4 चीज़ें करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। आईडी में आपको खेलिए और जीतिए, सिर्फ 2-साइड बैट अवेलेबल हो चुका है व्यूअर्स के लिए, खेलिए और जीतिए यहाँ पर, बढ़िया रहेगा डेल्टिन 7। मेरे को एक व्यूअर ने मैसेज भी किया था कि भाई मैंने लॉस कट बुक सेट किया है और कल भाई ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंग्लैंड के मुकाबले में 9,000 रुपये तक विड्रॉल किया, एक ने 9,000 किया, एक ने 5,000 किया, एक ने 2,000 किया, तो कुछ लोग को थैंक यू भी बोल रहे थे मुझे उस टाइम पे। मैंने को समझाया भाई टेलीग्राम पे, भाई ऐसे नहीं, ऐसे करिए, समझ गया। ओवर एक बार फिर से ये फुल टॉस ये गेंद थी, खेल दिया इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद वहाँ पर, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्राइक पे आ गई है हैदराबाद, स्कोर हो चुका है 15.5 गेंदों के बाद 118 रन 6 विकेट नुकसान पर। यहाँ पर 52 लाइक हो चुके हैं, ध्यान रखिए डेल्टिन 7 पर 2-साइड बैट अवेलेबल है, मगर आपको कोई भी प्रमोशनल ऐड नहीं करना है, कोई बोनस ऐड नहीं करना, कोई रिवॉर्ड ऐड नहीं करना, आपको आईडी खोलनी है, आईडी बनानी है, उसके बाद वहाँ पर जाके डिपॉजिट करना है और सीधा डायरेक्ट जाके 1 रुपये जाके खेलना है। चलिए यहाँ पर एक और बड़ा शॉट, एक बार फिर से बल्ले से आता हुआ नॉमी स्टर्लबर्ग के बल्ले से आता हुआ यहाँ पर ड्राइव लगाया इस गेंद पर, चौका बटोरा यहाँ पर हैदराबाद के बल्ले से आता हुआ ये शॉट, स्कोर हो चुका है 122 रन यहाँ पर 6 विकेट के बाद। स्ट्राइक पे है नॉमी स्टर्लबर्ग, यहाँ से बची हैं सिर्फ 24 गेंदें। एट बट अबाउट बाई वन एक्स, भाई वन एक्स पे खेलना है तो यहाँ पर आप पिंकी शर्मा जी आप डेडली सेवन पे खेल लीजिए, क्योंकि वहाँ भी डूबेंगे ही पैसे आपके। देखिए ट्रेड करिए, एक्सचेंज सही रहता है, ट्रेड अवेलेबल हो तो गया डेल्टिन 7 पे। अंकित शर्मा भाई कह रहे भाई आपकी टीम कौन सी है, भाई सिडनी सिक्सर पसंद कर रहे हैं आज,
वहू वन 1000 रुपीज विद 4 रन। ओके जबरदस्त संदीप कुमार भाई, सही बात लॉजिक लगाया आपने। चलिए 16 ओवर समाप्त हो चुके हैं, पावर सर्च की बात वेट कर रहे थे आप सब लोग। पावर सर्च ले लिया गया है, पावर सर्च ले लिया गया है अभिषेक शर्मा भाई, घबराइए नहीं, पावर सर्च अभी अभी लिया है। तो 17वां और 18वां ओवर जो है वो पावर सर्च का होगा। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज गेंदबाजी करने आई है सोफी एक्स्टन। सोफी एक्स्टन की ओवर की पहली गेंद, पावर सर्च की पहली गेंद, एक बार फिर से शॉर्ट साहब ऑफ स्टंप पे गेंद थी, कट किया था, गेंद गई सीधा पॉइंट की दिशा में, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका 122 रन 6 विकेट नुकसान पर। व्हाट इज ट्रेड मिश्रा जी, पिंकी शर्मा जी, देखिए ऐसे बताना तो बहुत मुश्किल है लाइव कमेंट्री करते हुए। आप जो है ट्रेड के बारे में या एक्सचेंज के बारे में खाई लगाई बैक लेने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से लेग स्टंप पे गेंद, बार खेल दिया इसको फाइन लेग की दिशा में, चौका बटोरती हुई यहाँ पर, चौका आता हुआ यहाँ पर नॉमी स्टेलबर्ग से बल्ले से, थोड़ा सा ये लेग स्टंप पे गेंद थी सोफी एक्स्टन की, फाइन लेग की दिशा में खेल दिया, स्कूप शॉट खेला और चौका बटोरा इस गेंद पर। यहाँ पर जो है वो सोफी एक्स्टन की इस गेंद पर नॉमी स्टेलबर्ग ने स्कोर पहुंच गया 126 रन 6 विकेट नुकसान पर। अगली गेंद, तीसरी गेंद इस ओवर की सामने मौजूद यहाँ पर नॉमी स्टेलबर्ग, इस बार लेग स्टंप से फिर से एक बार लेग स्टंप पे गेंद स्वीप कर दिया इस गेंद को, गेंद जाती हुई फाइन लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर। स्ट्राइक पे आ गए हैदरग्राम, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में, पावर सर्च बिल्कुल ऑन हो गया है। पावर सर्च की अभी भी 9 गेंदें बची हुई हैं, 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है, देखते हैं अगली गेंद को किस तरीके से यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर हैदरग्राम, एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे गेंद थी, कलाइयों के सारे खेल दिया इसको डीप मिड विकेट दिशा में, फील्डर ने जंप जरूर लगाया, डाइव जरूर लगाया कैच पकड़ने का, मगर कैच पकड़ नहीं पाए, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। चौका आता हुआ इस गेंद पर, बढ़िया ये शॉट है यहाँ पर और जबरदस्त ये शॉट हैदरग्राम के बल्ले से, एक और चौका आता हुआ इस ओवर में, 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में। स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है सिडनी से यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स का यहाँ पर 131 रन 6 विकेट नुकसान पर। लाइव कहाँ मैच आ रहा है कुलवीर शर्मा भाई, अगर लाइव बताऊंगा तो देखेंगे लाइव, आपने सवाल दिया, अगर लाइव जहाँ बताऊंगा जाके आईडी खोलनी होगी, लाइव जाके देख सकते हैं आप। चलो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। ऑफ स्टंप पे गेंद थी, ड्राइव लगाया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। फील्डर को एफर्ट के पूरे नंबर, क्योंकि बॉल हवा में थी और एक हाथ से गई थी फील्डर गेंद को पकड़ने के लिए, मगर चौका नहीं रोक पाए। तो चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, फिर से सीधे बल्ले से खेल दिया सोफी एक्स्टन की इस गेंद पर, मिड ऑफ के दिशा में चौका मिल जाएगा, मिड ऑफ का फील्डर जो है थोड़ा सा जो है फाइन रखा हुआ था, मगर गैप ढूंढा यहां पर हैदरग्राम ने और चौका बटोरा इस गेंद पर। बढ़िया ओवर पावर सर्च का, इस ओवर में आए टोटल 13 रन, 13 रन आ चुके हैं इस ओवर पावर सर्च के इस ओवर में। स्कोर हो चुका है 135 रन 6 विकेट नुकसान पर। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदें बची हैं इस पारी की, उम्मीद है कि जबरदस्त एक पारी देखने को मिल जाए और यहां पर मुकाबला जो है वो काफी बढ़िया हो जाए। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में, आखिरी की 18 गेंदें बची हैं इस पारी की, कोशिश है कि बड़े शॉट लगाया जाए, तो क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे बताओ। लाइव कहाँ है कुलवीर शर्मा भाई, लाइव बता तो रहे, पहले आप बताओ, जहां बताएंगे जाके देखेंगे आप। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक्सपेक्ट सोनी लिव भाई, सोनी लिव पे तो आ ही रहा है कुलवीर भाई, फैन कोड पे भी लाइव आ रहा है और डेल्टिन 7 पे भी आप लाइव देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है, 2 साइड बैट अवेलेबल है, मगर प्रमोशन नहीं करना, प्रमोशनल आपने आईडी में नहीं लगाना, कोई बोनस मत लेना आप, 2 साइड बैट अवेलेबल रहेगी आपके लिए, लॉस्ट कट बुक सेट सब कर सकते हैं आप, जाइए खेलिए और जीते। डेल्टिन 7 आपके साथ, 136 रन बन चुके हैं 6 विकेट नुकसान पर, 17.1 गेंद हो चुकी है, 17 गेंदें बची हैं इस पारी की, 17 गेंदों 30 रन बन सकते हैं यहां पर। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से विकेट आता हुआ, बड़ा शॉट लगाने गई थी यहां पर हैदरग्राम, सीधे बल्ले से खेला जरूर, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में यहां पर एलिसा पैरी कर रही है फील्डिंग और विकेट आता हुआ यहां पर, और जबरदस्त ये गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज की, एशली गार्डनर आई थी गेंदबाजी करने के लिए, हैदरग्राम ने बड़ा शॉट खेलने गई, सीधा शॉट खेला था मगर यहां पर कैच आउट होती है। तो स्कोर हो चुका है ओबा टरी केन्स का 136 रन 7 विकेट नुकसान पर, 17.2 गेंदे हो चुके हैं। यहां से सिर्फ अब जो है 16 गेंदें बची हैं, 16 गेंदों में कोशिश है कि 160 तक पहुंचा जाए, क्या पहुंच पाएंगे। यहाँ पर हिली जेंसन आई है बल्लेबाजी करने के लिए, एशली गार्डनर ने बढ़िया गेंदबाजी करी है, 3.2 गेंदें फेंकी हैं, 25 रन दिए हैं और 1 विकेट जो है वो चटकाया है, अपने नाम किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में,
137 रन 7 विकेट नुकसान पर 17.2 गेंदों के बाद। यहां पर करंट रन रेट 7.85 की चल रही है। सिडनी थंडर आज सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय जरूर लिया और यहां पर अच्छा निर्णय भी रहा है। स्कोर 136 बनाए मगर 7 विकेट भी गिरे हैं। हॉबार्ट हरिकेन्स के कोशिश करेंगे कि अगली 16 गेंदों में कम से कम 24-25 रन जोड़कर 160 तक पहुंचा जाए। 160 रन जो है वो डिफेंडेबल टोटल रहेगा मगर सिडनी सिक्सर के पास एक अच्छी खासी बल्लेबाजी है। हिली जैनसन को अगली गेंद, इस बार कलायु के सारे खेल दिया इसको फाइनल की दिशा में। फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर और स्कोर पहुंच जाएगा 137 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा। देखते हैं अब यहां से किस तरीके से गेम चलता है। अगली गेंद, इस बार रॉबी स्टेलबर्ग को शॉर्ट पिच ये गेंद थी, पुल कर दिया और स्क्वायर लेग बाउंड्री पे ये चौका मिलता हुआ नाओमी स्टेलबर्ग को। स्कोर पहुंच गया 141 रन 7 विकेट नुकसान पर। 17.4 गेंदे हो गई, थोड़ा सा देखा कि गेंद शॉर्ट है, उसको पुल कर दिया और यहां पर चौका बटोर लिया हॉबार्ट हरिकेन्स की बल्लेबाज नाओमी स्टेलबर्ग ने। एशली गार्डनर की ओवर की अगली गेंद, सामने मौजूद नाओमी स्टेलबर्ग एक बार फिर से गेंद को भेजा है हवा में। यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेला जरूर है मगर यहां पर गैप में गेंद है। यहां पर डी मिडविट फील्डर के जस्ट आगे ये गेंद गिरेगी और एक रन मिल जाएगा नाओमी स्टेलबर्ग को। स्कोर हो जाएगा 142 रन 7 विकेट नुकसान पर। 17.5 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से नाओमी स्टेलबर्ग की कोशिश यही है कि बड़े शॉट लगाए जाए। क्या बड़े शॉट लगा पाएंगे देखना होगा आपको। यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। इस बैटिंग पिच मिश्रा जी बिल्कुल बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है। यहां पर सिडनी का ये ग्राउंड है और सिडनी सिक्सर अपने होम ग्राउंड में खेल रही है और अच्छा प्रदर्शन भी रहा है। 61 लाइक हो चुके हैं यार, लाइक में शर्माइए नहीं, घबराइए नहीं। आप सब लोग जो है स्ट्रीम को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को इंजॉय करिए इस मुकाबले को। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर सिडनी सिक्सर क्या इस रन को चेज कर पाएगी देखना होगा, क्योंकि हॉबार्ट के पास एक अच्छी खासी गेंदबाजी है, तो क्या ये गेंदबाजी काम आएगी। बात करें अगर स्कोर की तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर अब जो है 143 रन 7 विकेट नुकसान पर। स्ट्राइक पे है हिली जैनसन और सिडनी सिक्सर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आखिरी 12 गेंदें बची हैं इस मुकाबले की और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पर चलते हैं जरा, यहाँ पर देखते हैं अब 19वां ओवर लेके कौन आया है। 143 रन 7 विकेट नुकसान पर यहाँ पर स्कोर हो चुका है हॉबार्ट हरिकेन्स का। मुकाबले में अब गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है केट पैटरसन को। केट पैटरसन करेंगे 19वें ओवर की पहली गेंद, सामने मौजूद हिली जैनसन। क्या बड़ा प्रहार करेंगे देखना होगा। अगली गेंद, पहली गेंद 19वें ओवर की, इस बार ऑफ स्टंप पे गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया। गेंद को यहाँ पर जो है लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन मिल जाएगा इस गेंद पर। 144 रन बन चुके हैं 7 विकेट नुकसान पर। 18.1 गेंद हो चुकी है। देखते हैं अभी क्या होता है इस मुकाबले में। यस्टरडे इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाज जैकपॉट मैच, लाया अर्न 8K for rupees यस्टरडे। पिंकी शर्मा जी बिल्कुल, हमने तो एंट्री दी भी थी 17 पैसे से, इंग्लैंड से हम लेके आए। मतलब कह रहा हूँ भाई काफ़ी लोग जीते भी हैं कल के मुकाबले, मुझे स्क्रीनशॉट भेजा लोगों ने। अगले गेंद बार फिर से ऑस्टम पे गेंद इनसाइड एज लगा, एक रन तो मिल जाएगा यहाँ पर बल्लेबाज नाओमी स्टेलबर्ग को और स्कोर पहुँच जाएगा हॉबार्ट हरिकेन्स का 145 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर 18.2 गेंदें हो चुकी हैं। विकेट छटकानी है तो अगर रन बनाने हैं तो बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे और ज़रूरत भी है, डिमांड भी है, क्योंकि यहां से सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो 10 गेंदें बची हैं और 10 गेंदों में कोशिश है कि बड़े बड़े शॉट लगाए जाए। क्या बड़े बड़े शॉट यहाँ से लगा पाएंगे देखना होगा। अगली गेंद एक बार फिर से ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी, लेग स्टंप पे गेंद थी, कलाई सारा खेल दिया मिड विकेट दिशा में, एक रन मिलता हुआ यहाँ पर। 65 लाइक हो चुके हैं, 35 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पर हो जाएगा 100 लाइक्स का। यहाँ पर रोहन भाई जुड़ चुके हैं, विकेट नीडेड कह रहे हैं, 160 नॉट करके आए हैं रोहन भाई, वेरी गुड रोहन भाई। ऐसे तो चाहिए हमें, हमारे व्यूअर जीतने चाहिए भाई, कुछ ना हो हमारे व्यूअर जीतने चाहिए भाई। तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। अगली गेंद, इस बार फिर से गेट पीटरसन की गेंद थी, दौड़ते दौड़ते रुक गई और गेंद नहीं डाली उन्होंने। अरे गेंद नहीं डाली रोमन भाई, डॉट क्यों बोल रहे हैं, गेंद नहीं डाली है इन्होंने और देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है और कोशिश करेंगे ज़बरदस्त खेल देखने को मिल जाए यहाँ पर हमें। और अगली गेंद केट पैटरसन के इस ओवर के सामने मौजूद, एक बार फिर से स्लो वन गेंद, एक ही रन मिलता हुआ इस गेंद पर।
स्कोर पहुंच जाएगा 147 रन, 7 विकेट नुकसान पर। 4 गेंदें हो गई हैं 19वें ओवर की और 4 सिंगल आए हैं सिर्फ और सिर्फ 4 सिंगल आए हैं यहाँ पर। देखना होगा किस तरीके से गेम चलेगा यहाँ पर। जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए इस मुकाबले को। 71 लाइक हो चुके हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग टुडेज जैकपॉट मैच। पिंकी शर्मा जी, जैकपॉट नहीं, बारिश मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर 148 रन, 7 विकेट नुकसान पर यहाँ पर। और यहाँ से बता दें कि आपको 18.5 गेंदें हो गई हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जो है 7वां झटका लग गया क्या, दिखना होगा जी, रन आउट देखना पड़ेगा जी। यहाँ पर सिंगल लेने की कोशिश थी, जी हाँ रन आउट होता हुआ यहाँ पर एक और विकेट गिर गया। 8वां झटका लगता हुआ यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स को, यहाँ पर सिंगल लेने की कोशिश थी 5वीं गेंद पर, रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ और 8वां झटका लग गया यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स की टीम को। 147 रन, 8 विकेट नुकसान पर, 18.5 गेंदें हो चुकी हैं, 7 गेंदें बची हैं इस पारी की। क्या इन 7 गेंदों में कुछ रन बनते नजर आएंगे, क्या रन बन पाएंगे देखना होगा। तब तक आप सब लोग जो है डेल्टिन सेवन ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक शेयर में पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है, तो 100 रुपये डिपॉजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, लास्ट कट बुक सेट कर सकते हैं। मगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रमोशन ऐड नहीं करना है, कोई बोनस ऐड नहीं करना है अपनी आईडी में। आईडी खोलिए, डिपॉजिट करिए, 2 साइड बैट करिए, दोनों तरफ लास्ट कट बुक सेट करिए, विड्रॉल करिए। विड्रॉल अच्छी बात यह है कि 15 मिनट में विड्रॉल आ जाता है। कल हमारे काफ़ी व्यूअर ने स्क्रीनशॉट दिखाया है कि यार 15 मिनट में विड्रॉल आया, अच्छा लगा देखकर, और जाके खेलिए और जीतिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी क्रिएट करना बहुत आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, आपको यूजर नेम बनाना है, पासवर्ड बनाना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 5 गेंदें इस ओवर की हो गई है, आखिरी गेंद खेलने आई है बल्लेबाज। यहाँ पर नॉमी स्टलबर्ग होंगे, एमी स्मिथ आई है बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर स्टलबर्ग है स्ट्राइक पर, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, सीधे बल्ले से खेल दिया गेंद को, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है यहाँ पर 148 रन, 8 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर स्कोर हो चुका है यहाँ पर जो है हॉबार्ट हरिकेन्स का। नॉमी स्टलबर्ग होंगे स्ट्राइक पर, आखिरी छः गेंदें बची हैं इस पारी की। क्या आखिरी 6 गेंदों में कुछ बड़े शॉट लगते हुए नजर आ जाएंगे, देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, 77 लाइक हो चुके हैं, 23 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा यहाँ पर 100 लाइक्स का। इस बीच 19वां ओवर खत्म हो चुका है और यहाँ पर जो है आखिरी की 6 गेंदें बची हैं। अब आखिरी की 6 गेंदों में किस तरीके से खेल देखने को मिलेगा, देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी। इस बार गेंदबाजी करना है सोफिया कैस्टन, पहली गेंद, बड़ा शॉट खेला है, गेंद गई हवा में यहाँ पर 6 रन के लिए, बेहतरीन ये शॉट है। नॉमी स्टलबर्ग के बल्ले से कदमों का इस्तेमाल किया और सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में और छक्का बटोरा इस गेंद पर। सोफिया कैस्टन की पहली गेंद, खराब गेंद और छक्का बटोरते हुए यहाँ पर जो है नॉमी स्टलबर्ग। तो स्कोर हो चुका है 154 रन बन चुके हैं, 8 विकेट नुकसान पर। बढ़िया ये शॉट था, अब आखिरी की 5 गेंदें बची हैं सोफिया कैस्टन के ओवर की। अगली गेंद दूसरी गेंद पर फिर से बैकफुट में जाके कट कर दिया गेंद को, गेंद गई पॉइंट की दिशा में, 1 रन तेजी से दौड़ती हुई यहाँ पर नॉमी स्टलबर्ग और स्ट्राइक पे आ गई है एमी स्मिथ। स्कोर हो चुका है 155 रन, 8 विकेट नुकसान पर। जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है, ऐसी बल्लेबाजी अगर चले तो मुकाबले में देखने को काफ़ी मज़ा आ जाए, और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी भी है यहाँ पर। अब देखते हैं आगे किस तरीके से गेम चलता है। सामने मौजूद यहाँ पर एमी स्मिथ, एक बार फिर से लेग स्टंप पे गए, इस बार बोल्ड कर दिया यहाँ पर, बोल्ड कर दिया है एमी स्मिथ को पहली गेंद पर। यहाँ पर सोफिया कैस्टन ने शफल करके ऑस्टम की तरफ आई, भाप लिया यहाँ पर जो है यहाँ पर गेंदबाज सोफिया कैस्टन ने, लेग स्टंप पे गेंद थी और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पर एमी स्मिथ को। यहाँ पर हॉबार्ट हरिकेन्स को लगता हुआ 9वां झटका। अभी भी 3 गेंदें बची हैं इस ओवर की और कोशिश यही रहेगी कि अगले 3 गेंदों में कम से कम 5 रन जोड़ के 160 रन तक पहुंचे जाए। क्या पहुंच पाएंगे देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ जाइए हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी बढ़िया है, 79 लाइक्स हो चुके हैं यार, 21 भाई और लाइक कर देंगे तो यहाँ पर 100 लाइक्स पूरे हो जाएंगे। तैयारी कर लीजिएगा इस मुकाबले की, मुकाबला आज होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। थोड़ा सा बारिश का साया है तो झुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ उस मुकाबले में भी। और यहाँ पर रनआउट होके गया सिक्सर, हटाओ पे भाई, पता नहीं भाई क्या कह रहे हैं आसिफ उद्दीन भाई,
अच्छी बात कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। यहाँ पर चले चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। सामने मौजूद है मॉली स्टेनो, बल्लेबाजी करने के लिए आई हैं, स्ट्राइक पे होंगी मॉली स्टेनो। मॉली स्टेनो की कोशिश ये रहेगी कि सिंगल लेके यहाँ पर नॉमी स्टर्लबर्ग को क्रीज पर लाया जाए। नॉमी स्टर्लबर्ग ने 15 गेंदें खेली, 24 रन बनाए हैं, 2 चौके 1 छक्का लगाया भी है। चलिए यहाँ पर चौथी गेंद सोफी कैस्टन के ओवर की, एक बार फिर से रिवर्स स्वीप कर दिया इस गेंद को। गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड में की दिशा में, फील्डर मौजूद, 1 रन मिल जाएगा इस गेंद पर। और स्ट्राइक पे आ गए नॉमी स्टर्लबर्ग, तो स्कोर हो चुका है यहाँ पर 156 रन 9 विकेट नुकसान पर। होवर्ड हरी केन्स का स्कोर है। यहाँ से गेंदें बची हैं सिर्फ दो गेंदें बची हैं इस पारी की। क्या 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट लगा पाएंगे, क्या बड़ा शॉट लग पाएगा देखना होगा इस मुकाबले में। और छोटा मत बोलिएगा, एक तरफ हार्दिक पांड्या, एक तरफ होंगे यहाँ पर केन विलियमसन। दूसरा T20 मुकाबला इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का, क्रिकेट लाइव हिंदी 2 पे, दोनों पे आप लुत्फ उठा सकते हैं इस मुकाबले का हमारे साथ। चलिए यहाँ पर चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ। एक बार फिर से ये गेंद थी आउट हो गई, यहाँ पर एक और झटका लगता हुआ और होवर्ड हरी केन्स की ये पारी जो है वो सिमटती हुई ऑल आउट हो गई है पूरी टीम होवर्ड हरी केन्स की। यहाँ पर 156 रन पे बड़ा शॉट खेलने गई नॉमी स्टर्लबर्ग, एक शॉट खेला जरूर था। और यहाँ पर लगता है कि बिल्कुल जी विकेट कीपर ने पकड़ा है, कैच आउटसाइड एज लगा और विकेट कीपर ने पकड़ा है। यहाँ पर स्टंप आउट किया, माफी चाहेंगे स्टंप आउट किया है। स्टैपर्ड के बड़ा शॉट खेलने की कोशिश है नॉमी स्टर्लबर्ग की, 16 गेंदों में बनाए सिर्फ 24 रन। तो यहाँ पर ये पारी समाप्त होती है होवर्ड हरी केन्स की। ये बताया कि मैच का सूरतल बताएं आपको जरा। यहाँ पर सिडनी सिक्सर ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। होवर्ड हरी केन ने यहाँ पर 19.5 गेंदों में 156 रन पर ऑल आउट हो गई है। तो यहाँ से अब सिडनी सिक्सर को मैच अगर जीतना है तो 157 रन बनाने, 157 रन चाहिए जीतने के लिए। तो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर एलिसा पैरी तैयार है इस मुकाबले में। यहाँ पर होवर्ड हरी केन्स के लिए बहुत अहम मुकाबला है, 156 रन बना जरूर लिए इस पिच के ऊपर, मगर 157 रन चाहिए यहाँ पर सिडनी सिक्सर जीतने के लिए। तो यहाँ से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट के ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आपके साथ लाइव एक्शन में। तो कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा, इंजॉय करिएगा इस मुकाबले को। तो मुकाबला हो रहा है बस थोड़ी देर में शुरू।
तो जी हाँ, चलिए सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से नमस्कार। भाई जुड़ चुके हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बेहतरीन मुकाबले में। बढ़िया आज का चेज ये होने वाला है, सिडनी सिक्सर की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। बल्लेबाजी की बात की जाए, सूजी बेट्स और एलिस एली यहाँ पर आ चुकी हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ, पहली गेंद का सामना किया यहाँ पर सूजी बेट्स ने, बढ़िया गेंद थी यहाँ पर छोड़ते हुए सीधा विकेटकीपर के दस्तानों में जाते हुए। दूसरी गेंद यहाँ पर स्टेरनो की, दूसरी गेंद यहाँ पर, दूसरी ही गेंद पर यहाँ पर रिवर्स स्वीप लगाने का प्रयास और बेहतरीन तरीके से सफलता भी हासिल की है। गेंद जाती हुई यहाँ पर थर्ड मैन की दिशा में, पीछे फील्डर दौड़ रही है, पकड़ा जरूर है गेंद को, देखना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर चार रन मिल जाएंगे। चलिए दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका सूजी बेट्स के बल्ले के द्वारा यहाँ पर आते हुए, दूसरी ही गेंद पर अपनी पारी की यहाँ पर एक अलग शॉट यहाँ पर ट्राई करते हुए। जी हाँ, कोशिश की थी यहाँ पर, बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट भी किया इस शॉट को और गेंद यहाँ पर निकल गई सीमा रेखा के बाहर। तो चलिए एक चौका यहाँ पर आते हुए, सिडनी सिक्सर का स्कोर है चार रन बिना किसी नुकसान के। दो गेंदों की समाप्ति के बाद बात की जाए, सूजी बेट्स की पहुंच गई है चार रन पर। इसी के साथ मॉली स्टेरनो अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार होती हुई सामने होगी सूजी बेट्स, देखना होगा मुकाबला ये दिलचस्प होने वाला है। सूजी बेट्स यहां पर चलते हुए सामने गेंदबाज, जी हाँ बढ़िया गेंद यहाँ पर, बिल्कुल तीन स्टंप्स के बीच में ये गेंद थी, सीधा गेंदबाज की दिशा में। इस शॉट को खेलते हुए मॉली स्टेरनो ने डाइव लगाते हुए गेंद को यहाँ पर पकड़ा और बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर मॉली स्टेरनो के द्वारा। कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा, सिडनी सिक्सर का स्कोर है चार रन बिना किसी नुकसान के तीन गेंदों की समाप्ति के बाद। जी हाँ, बढ़िया तरीके से माहौल सेट है चेज, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि सिडनी की टीम को कोई यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर शुरुआती विकेट यहाँ से गंवाती है सिडनी की टीम तब जाकर मुकाबला यहाँ से फंस सकता है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद मॉली स्टेरनो की, जी हाँ इस गेंद को बढ़िया तरीके से स्क्वेयर लेग की दिशा में खेलते हुए एक रन यहाँ पर हासिल कर लिया। छोर में यहाँ पर बदलाव होते हुए एलिस एली अब आएंगे यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए। तो हेली के पास होगी अब स्ट्राइक, इस मैच में पहली बार, देखना होगा। सूजी बेट्स ने आक्रामक शुरुआत यहाँ पर की है, एलिस एली देखना होगा किस प्रकार की यहाँ पर शुरुआत करती है। चलिए यहाँ पर एलिस एली तैयार होते हुए, मॉली स्टेरनो इस ओवर की पांचवी गेंद लेकर करने के लिए यहाँ पर तैयार है। इस ओवर की पांचवी गेंद एलिस एली को, जी हाँ पहली गेंद बढ़िया गेंद यहाँ पर, बिल्कुल तीन स्टंप्स के बीच में ये गेंद थी, बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए गेंद सीधा गई है मिडॉन के फील्डर के पास। कोई रन बनाने का यहाँ पर मौका नहीं। तो चलिए बढ़िया शुरुआत, संभली हुई शुरुआत यहाँ पर सिडनी सिक्सर की। इसके अलावा सूजी बेट्स ने जो एक रिवर्स स्वीप पर चौका लगाया था वो इंटेंशन यहाँ पर साफ करता है इस टीम की। जी हाँ, रुक कर नहीं खेलेंगे, जो गेंद भी यहाँ पर आपको आप मिलेगी उस पर आप बड़ा शॉट लगाते हुए देखेंगे यहां पर सूजी बेट्स को। चलिए इसी के साथ यहां पर एक बार फिर से थोड़ा सा लेग साइड की तरफ ये गेंद ड्रिफ्ट होते हुए इस गेंद को हल्के हाथों से यहां पर चिप शॉट खेला, गेंद एक बार फिर से जाती हुई मिडॉन के फील्डर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं, पहला ओवर समाप्त होते हुए यहां पर मॉली स्टेरनो का, मॉली स्टेरनो को ओवर दिया गया था शुरुआती यहां पर विकेट झटकने के लिए, लेकिन यहां पर सूजी बेट्स ने एक चौका जरूर लगाया, थोड़ा सा दबाव जरूर कम किया है अपनी टीम के ऊपर से। सिडनी सिक्सर का स्कोर है पांच बिना किसी नुकसान के एक ओवर की समाप्ति के बाद। बात की जाए जीतने के लिए, तो जीतने के लिए यहां से 152 रन चाहिए होंगे, गेंदे बची हुई हैं 114, तो देखना दिलचस्प रहेगा कितनी जल्दी यहां पर ये चेस कर पाती है सिडनी सिक्सर की टीम, या फिर मुकाबले के अंदर अभी भी कोई ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि रन बनाने हैं यहां पर काफी ज्यादा, 158 रन, 157 रन का यहां पर टारगेट चेस करना है। तो देखना यहां पर दिलचस्प रहेगा कैसा ये चेस यहां पर रहता है। तो चलिए देखते हैं
मुकाबले के लिए तैयार हो जाइएगा सभी लोग। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 5 रन बिना किसी नुकसान के। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली गेंदबाज की। जी हाँ, जेनसन के हाथों में गेंद थमाई गई है। बढ़िया गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है। यहाँ पर देखना होगा क्या विकेट यहाँ से ले पाएंगी सूजी बेट्स। का विकेट यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सूजी बेट्स एक ऐसी प्लेयर है, अगर ये टिक जाती हैं तो देखिए मुकाबले को एक तरफा सिडनी सिक्सर के नाम कर सकती है। चलिए जेनसन यहाँ पर तैयार होते हुए पहली गेंद करेंगे। यहाँ पर सामने स्ट्राइक पर होंगी सूजी बेट्स। पहली गेंद यहाँ पर, जी हाँ, बढ़िया गेंद, 3 स्टंप्स के बीच में यॉर्कर लेंथ पर यह गेंद थी, लेकिन इस गेंद को बैक फुट पर जाते हुए निकाल दिया स्क्वेयर लेग की दिशा में। जी हाँ, गेंद जाते हुए डीप स्क्वेयर लेग के फील्डर के पास, मौका था एक रन बनाने का, चूकेंगे नहीं। एक रन यहाँ पर तेजी से दौड़कर पूरा किया सिडनी सिक्सर का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ, जीत के लिए चाहिए अभी भी 151 रन, गेंदें बची हुई हैं 113 रन। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगी ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि अक्सर हमने देखा है वुमेन बिग बैश लीग के मुकाबलों में अगर आपकी शुरुआत अच्छी ना हो, रन गति अगर बढ़ जाती है तो लास्ट में जाते जाते टीमें ढह जाती हैं दबाव के अंदर। चलिए जेनसन यहां पर एक बार फिर से दौड़ते हुए सामने स्ट्राइक पर। जी हाँ, बढ़िया तरीके से इस गेंद को कट कर दिया। गेंद जाती हुई पॉइंट और कवर के फील्डर के बीच में से निकल गई है पीछे, लेकिन फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर। एक रन यहां पर मात्र मिलेगा, एक रन यहां पर मिल जाएगा। इस एक रन के साथ सिडनी सिक्सर का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के 1.2 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हाँ, सूजी बेट्स की इंटेंशन यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आक्रामक तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है। जी हाँ, शुरुआत में अगर आप गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाते हैं तो आगे की राह आपके लिए आसान हो सकती है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाद पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप की तरफ शफल करते हुए गेंद को पोल कर दिया स्क्वेयर लेग की दिशा में। काफ़ी आक्रामक ये शॉट था, लेकिन गेंद सीधा जाते हुए डीप स्क्वेयर लेग के फील्डर के हाथों में। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह से आई नहीं, ऑफ साइड की तरफ से खींचकर गेंद को पोल लगाया था यहां पर सूजी बेट्स ने, लेकिन एक रन यहां पर भी मिल जाएगा। चलिए स्ट्राइक यहां पर आती हुई एलेक्स हेली के पास, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 8 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से यहां पर जेनसन दौड़ते हुए इस बार सामने होंगी हेली, देखना होगा किस प्रकार से सामना करती है। जी हां, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया गेंद थी, इस गेंद को दिशा दिखाई दी थर्ड मैन की तरफ। गेंद जाती हुई यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं, तो फील्ड यहां पर पूरी तरह से सेट है। मेरे ख्याल से अगर जेनसन यहां पर बल्ले गेंदबाजी कर रही है तो शुरुआत में आप एक स्लिप का फील्डर ले सकते हैं, यहां पर, क्योंकि बाहरी किनारा लगने की संभावना हमेशा होती है शुरुआती ओवर के अंदर, 3-4 ओवर के अंदर। चलिए जेनसन यहां पर एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप के बाहर यह गेंद, इस गेंद को यहां पर कट कर दिया पॉइंट के फील्डर के ऊपर से गेंद जाते हुए, लेकिन पीछे बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद है सिर्फ एक रन के लिए। यहां पर एक रन यहां पर भी मिल जाएगा, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 9 रन बिना किसी नुकसान के 1.5 ओवर की समाप्ति के बाद। स्ट्राइक आ गई है एक बार फिर से सूजी बेट्स के पास। जेनसन के इस ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगी सूजी बेट्स, जो कि 7 रन बनाकर खेल रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे चलता है ये मुकाबला। चेज अभी तक तो आसान लग रहा है सिडनी सिक्सर के द्वारा, जिस प्रकार की बल्लेबाजी ये दोनों बल्लेबाज कर रही हैं, चेज ऐसा लग रहा है आसान है, लेकिन क्रिकेट के अंदर देखिए जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो शायद यहाँ से आने वाले वक्त में 1-2 विकेट अगर गिरेंगे तो दबाव आपको देखने के लिए मिलेगा सिडनी की टीम के ऊपर। चलिए एक बार फिर से यहां पर तैयार होते हुए जेनसन थोड़ा सा वक्त लेते हुए अपने रनअप के लिए, यहां पर थोड़ा सा वक्त जरूर लिया है, लेकिन अब यहां पर दौड़ते हुए सामने होंगे यहां पर सूजी बेट से। इस बार बिल्कुल सीधी गेंद यहां पर रहती हुई, कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को खेला गेंदबाज की दिशा में। मिडॉन के फील्डर ने दौड़कर गेंद को किया फील्ड, तेजी से दौड़कर एक रन यहां पर चुरा लिया। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 10 रन बिना किसी नुकसान के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 147 रन, गेंदें बची हुई हैं मात्र 108। जी हां, रन गति की अगर बात की जाए तो करंट रन रेट अभी 5 रन प्रति ओवर का चलता हुआ, रिक्वायर्ड रन रेट अभी 8 से ऊपर है। जी हाँ, कंट्रोलेबल है और कोशिश यही रहेगी सिडनी सिक्सर की टीम की है, जो रिक्वायर्ड रन रेट है 10 के ऊपर ना जाए। 9 या 10 के ऊपर अगर रिक्वायर्ड रन रेट जाता है तो हमेशा देखिए उसको चेज करने में दिक्कत होती है, बाद वाले जो बल्लेबाज है, आने वाले जो बल्लेबाज है उनके ऊपर यहाँ पर दबाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये रहेगी होबार्ट हरिकेन्स की शुरुआत में पावर प्ले के अंदर कम से कम आप एक ओपनिंग बल्लेबाज को वापस पवेलियन जरूर भेजें, क्योंकि ये बड़ी ही खतरनाक जोड़ी है अगर आप पीबीएल के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर मिचेल स्टर्नो, यहाँ पर एक बार फिर से मॉली स्टर्नो की ये गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाई है, खेला है लोंगोन की दिशा में। 1-4 रन यहाँ पर आते हुए गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। सूजी बेट्स के बल्ले से एक और बेहतरीन चौका, इस बार कदमों का इस्तेमाल, आधी पिच तक आ गई थी यहाँ पर सूजी बेट्स, पूरी तरह से दबाव डालने का प्रयास है मॉली स्टर्नो के ऊपर। अब तक सफल भी रही हैं, अब तक यहाँ पर पूरी तरह से सफलता अर्जित की है
सूजी बेट्स ने मोली स्टेरनो यहां पर दबाव में लगती हुई एक बार फिर से अगली गेंद, जी हां इस बार फिर से छोटी गेंद थी, यहां पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था सूजी बेट्स के द्वारा, इस बार गेंद बल्ले पर अच्छी तरीके से आई नहीं और वहीं बल्लेबाज के पास गेंद गिरते हुए खुशकिस्मत रही कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर ऊपर नहीं उठी, तो पूरी तरह से सूजी बेट्स यहां पर हावी होने की कोशिश करती हुई मोली स्टेरनो के ऊपर। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 14 रन बिना किसी नुकसान के। 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद अगली गेंद करने के लिए तैयार होती हुई मोली स्टेरनो सामने होंगी यहां पर सूजी बेट्स। चलिए एक बार देखते हैं इस गेंद पर यहां पर क्या होता है। अगली गेंद यहां पर एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की टर्न को कवर करते हुए गेंद को यहां पर दिशा दिखाई मिडोन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा। स्ट्राइक आ गई है एलिस हेली के पास। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 15 रन बिना किसी नुकसान के 2.3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए देखते हैं भाई मुकाबला आगे किस प्रकार से यहां पर चलता। बेहद बेहतरीन शुरुआत, एक ड्रीम शुरुआत किसी भी टीम के लिए कहना चाहेंगे। 15 रन हो चुके हैं 2.3 ओवर के अंदर, अब तक विकेट कोई गवाया नहीं है। आप सिर्फ 157 रन चेज कर रहे हैं और आपके पास बल्लेबाजों की लाइन लगी हुई है। जी हां काफी डेप्थ तक बल्लेबाजी है अगर सिडनी सिक्सर की टीम की बात की जाए तो। तो चलिए इसी के साथ एलिस हेली को यहाँ पर अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिशा दिखाते हुए फाइन लेग की तरफ, एक रन यहाँ पर मिल जाएगा। स्ट्राइक एक बार फिर से दे दी है सूजी बेट्स को। तो सूजी बेट्स सामना करेंगी यहाँ पर मोली स्टेरनो की अगली गेंद का। क्या विकेट आएगा इस ओवर में, क्या विकेट आएगा, चलिए देखते हैं। मोली स्टेरनो की यहाँ पर एक बार फिर से ऑफ साइड के बाहर ये गेंद थी। इस गेंद को यहाँ पर रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद था, इसी शॉट के लिए फील्डर लगाया हुआ था यहाँ पर शॉट थर्ड मैन के ऊपर, सीधा गेंद जाते हुए फील्डर के पास, एक रन बनाने का मौका था, एक रन यहाँ पर लिया। स्ट्राइक यहाँ पर दे दी है हेली को। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 17 रन बिना किसी नुकसान के 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 140 रन, गेंदें बची हुई हैं 103। तो चलिए देखते हैं भाई मुकाबला किस तरह से चलता है। अगली गेंद यहां पर हेली को, हेली ने इस गेंद को बढ़िया तरीके से बैकफुट पर जाते हुए एक दिशा दिखाने की कोशिश जरूर की थी थर्ड मैन की तरफ, लेकिन वो जो शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर खड़ा हुआ है, अभी सिर्फ 3 ओवर हुए हैं लेकिन उस शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने कम से कम 6 या 7 रन बचा लिए हैं। तो काफी बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट यहां पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम के द्वारा। जानते हैं कि बल्लेबाज किस दिशा में शॉर्ट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सिडनी सिक्सर का स्कोर है 17 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 140 रन, गेंदें बची हुई 102। सूजी बेट्स खेल रही है 14 रन बनाकर 11 गेंदों का किया है सामना। हेली की बात की जाए तो अब तक 3 रन बनाए हैं, गेंदें खेली हैं 7। तो चलिए बेहतरीन तरीके से पार्टनरशिप यहां पर बिल्ट होते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। यहां पर टारगेट है 157 का, रिक्वायर्ड रन रेट है 8.24 का। तो खूबसूरत ये मैदान, बढ़िया ये मौसम क्रिकेट खेलने के लिहाज से इस मैदान के ऊपर। दर्शक यहां पर काफी संख्या में तो नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक दर्शक यहां पर मौजूद हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। तो चलिए यहां पर एक बार फिर से जेनसन के हाथों में यहां पर गेंद है। जेनसन ने दौड़ना शुरू किया लेकिन बीच में रुक गई, दोबारा जाते हुए अपने रन अप पर। सामने होंगी सूजी बेट्स। सूजी बेट्स के सामने गेंदबाजी करते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों बॉलर थोड़ा सा दबाव महसूस जरूर कर रहे हैं। चलिए जेनसन यहां पर ये गेंद, सूजी बेट्स को ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थे बिल्कुल वाइड लाइन पर। इस गेंद को बिल्कुल पॉइंट के फील्डर की तरफ खेलते हुए तेजी के साथ एक रन चुरा लिया। अगर डायरेक्ट हिट यहां से होती तो रन आउट होने की भी संभावना थी, लेकिन डायरेक्ट हिट लगी नहीं और वो संभावना पूरी तरह से निरस्त यहां पर होते हुए। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 18 रन बिना किसी नुकसान के 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 139 रन, गेंदें बची हुई है 101। तो चलिए ऐसा लग रहा है कि हम एक बेहतरीन चेज की तरफ यहां पर बढ़ रहे हैं। मुकाबले में यहां पर मजा आएगा क्योंकि देखिए विकेट तो यहां पर जरूर गिरेंगे और जब भी यहां पर विकेट गिरेगा देखना होगा आगे आने वाले बल्लेबाज क्या सूजी बेट्स की तरह खुलकर बल्लेबाजी कर पाएंगे। चलिए इस बार एलिस हेली को यहां पर ये गेंद, जेनसन की, जी हां ये गेंद यहां पर थोड़ी सी छोटी है गेंद थी, इस गेंद को यहां पर उठा दिया है। गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। सभी फील्डर दर्शक बनकर यहां पर देखते रहे, क्या खूबसूरत ये शॉट था, आज के दिन का सबसे बेहतरीन शॉट ये एलिस हेली के बल्ले के द्वारा। अब तक थोड़ा दबाव में लग रही थी लेकिन इस शॉट के साथ काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा यहां पर हेली को। तो चलिए 4 रन के साथ यहां पर इस ओवर की है शुरुआत। 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद सिक्सर का स्कोर है 22 रन बिना किसी नुकसान के। जेनसन एक बार फिर से दौड़ते हुए एलिस हेली को यहां पर यह गेंद, छोटी गेंद पोल कर दिया, यहां पर गेंद जाती हुई मिडॉन सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए एक बार फिर से। चलिए 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके, जेनसन के ऊपर दबाव यहां पर बनाते हुए। सूजी बेट्स ने अब तक दबाव बनाया था लेकिन अब वो जिम्मेदारी यहां पर ले ली है हेली ने। 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके यहां पर लगाते हुए अपनी प्रतिभा का
यहां पर लोहा मनवाते हुए एलिस हेली। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 26 रन बिना किसी नुकसान के 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। विकेट अगर यहां से नहीं गिरते हैं तो मेरे ख्याल से इस मुकाबले में काफी क्लोज जाते हुए सिडनी सिक्सर की टीम। शुरुआत बेहतरीन हुई है, दोनों ही बल्लेबाज अपनी फॉर्म को प्राप्त कर चुकी हैं, चाहे सूजी बेट्स हो चाहे एलिस हेली हो। हालांकि सूजी बेट्स ज्यादा आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी करती हैं, एलिस हेली फिर भी टिक सकती हैं लंबे समय के लिए। चलिए देखते हैं। जेनसन एक बार फिर से गेंद डालते हुए, फील्ड को थोड़ा सा खोला गया है। जी हाँ, जो नजदीकी फील्डर थे उनको दूर किया गया है। जेनसन एक बार फिर से दौड़ते हुए एलिस हेली को, यहां पर यह गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, चौथे पांचवें स्टंप की यह गेंद थी। इस गेंद को यहां पर दिशा दिखाई पॉइंट की तरफ, गेंद सीधा जाते हुए पॉइंट के फील्डर के पास, कोई रन बनाने का मौका नहीं। तो चलिए, काफी देर के बाद एक डॉट गेंद यहां पर आते हुए, होबार्ट हरिकेन्स की टीम के लिए राहत की सांस, क्योंकि विकेट लेना तो दूर की बात है, उनके लिए यहां पर डॉट गेंद डालना मुश्किल हो रहा है सिडनी सिक्सर के बल्लेबाजों को। तो चलिए एक बार फिर से जेनसन यहां पर दौड़ते हुए सामने होंगे, यहां पर एलिस हेली, एलिस हेली को यहां पर यह गेंद, इस बार स्लोअर यह गेंद थी। इस गेंद को यहां पर दिशा दिखाई है मिड ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन के लिए यहां पर, एक रन लेने का मौका था। एक रन के साथ यहां पर छोर बदलते हुए सूजी बेट्स आई है अब स्ट्राइक पर। स्ट्राइक पर चाहे कोई भी आए लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है, रन यहां पर ताबड़तोड़ तरीके से बन रहे हैं सिडनी सिक्सर की टीम के। 3.5 ओवर हो चुके हैं, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 27 रन बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार होती हुई जेनसन, स्ट्राइक पर होंगी सूजी बेट्स। चलिए देखते हैं आखिरी गेंद पर यहां पर क्या होता है। जेनसन की यहां पर यह गेंद, छोटी गेंद, स्लोअर गेंद थी। इस गेंद को हल्के हाथों से पुल किया, जी हां, ज्यादा तेज शॉट लगाने की यह कोशिश की नहीं थी, हल्के हाथों से पुल किया क्योंकि जानती थी सूजी बेट्स, ऐसा लगा शॉट लगाने से पहले ही जानती थी कि उनको सिर्फ सिंगल ही चाहिए इस गेंद पर। आखिरी गेंद पर यहां पर सिंगल लेते हुए स्ट्राइक रखेंगी अपने पास सूजी बेट्स। 4 ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो चलिए, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। पावर प्ले की समाप्ति के बाद सिडनी सिक्सर का स्कोर है 28 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए चाहिए 129 रन 96 गेंदों में। जीत का जो फासला है, रनों का जो फासला है, वो धीरे धीरे यहां पर कम होता हुआ होबार्ट हरिकेन्स को शायद प्लान बी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लान ए है काम उनका किया नहीं है। जेनसन से उन्होंने यहां पर गेंदबाजी करवाई है, मौली से यहां पर गेंदबाजी करवाई है, तो जो प्लान ए था वो पूरी तरह से यहां पर असफल होते हुए, अब देखना होगा क्या प्लान बी है, क्या होबार्ट हरिकेन्स की टीम के पास प्लान बी है, देखना दिलचस्प रहेगा। पांचों ओवर यहां पर कौन करने आएगा, मेरे ख्याल से अब जो स्पिन गेंदबाजों के पास, स्पिन गेंदबाज आपको यहां पर अब देखते हुए मिल जाएंगे इस पारी के अंदर। तो चलिए देखते हैं मुकाबला यहां पर कैसे चलता है। जी हां, जीत के लिए सिर्फ 129 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 8.06 का यहां पर। तो क्या कहना है भाई, क्या लगता है, क्या ये आसानी से चेज हो जाएगा? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आसानी से ये चेज होगा। मेरे ख्याल से एक या दो विकेट यहां पर इस गेम की तस्वीर पलट सकते हैं। तो चलिए, स्मिथ यहां पर आ गई हैं, स्मिथ आ गई है यहां पर गेंदबाजी करने के लिए, गेंदबाजी करेंगे यहां पर सूजी बेट्स को। चलिए पहली गेंद यहां पर, पहली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद थी, इस गेंद को यहां पर पोल करते हुए उठा दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर पीछे मौजूद है। जी हां, पकड़ लिया गेंद को, गेंद को पकड़ लिया है यहां पर, एक रन मिल जाएगा। ऐसा लगा कि गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर, लेकिन बढ़िया कोशिश यहां पर फील्डर के द्वारा अपनी टीम के लिए, 3 रन यहां पर बचाते हुए। एक रन के साथ स्ट्राइक अब आ गई है हेली के पास। स्मिथ यहां पर गेंदबाजी कर रही है, पहली गेंद डाली है, पहली गेंद पर ही दबाव बनाने की कोशिश थी यहां पर सूजी बेट्स के द्वारा। चलिए देखते हैं अगली गेंद यहां पर एलिस हेली को, स्मिथ की। जी हाँ, ये गेंद यहाँ पर स्लोअर गेंद थी, यहाँ पर फ्लाइटी डिलीवरी, पूरा फायदा उठाया, न्योता दिया था बड़ा शॉट लगाने के लिए, एलिस हेली ने न्योता स्वीकार किया, गेंद को भेजा पॉइंट के फील्डर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। तो ऐसा लग रहा है दोनों बल्लेबाज खिलवाड़ कर रही हैं यहाँ पर होबार्ट हरिकेन्स के गेंदबाजों के साथ, अपनी मनमर्जी की दिशा में शॉट लगा रही हैं होबार्ट हरिकेन्स। यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि गेम में ही नहीं है ये दोनों बल्लेबाज, जब बल्लेबाजी कर रही हैं तो पूरी तरह से अभी तक गेम से बाहर है होबार्ट हरिकेन्स की टीम। चलिए इसी के साथ अगली गेंद एलिस हेली को यहां पर स्मिथ की, देखना होगा क्या बदलाव आता है। इस बार एक बार फिर से फ्लाइटी डिलीवरी, इस बार गेंद फुल टॉस हो गई, एक बार फिर से उसी दिशा में यहां पर, इस बार थोड़ा सा फाइन शॉट खेलते हुए, लेकिन रिजल्ट यहां पर सेम है, एक और चौका यहां पर आते हुए, दो गेंदों में लगातार दो चौके यहां पर लगाते हुए एलिस हेली। क्या बढ़िया, क्या यहां पर सेंसेशनल बल्लेबाजी हो रही है इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। जी हां, अपनी टीम को यहां पर इस बड़े मुकाबले के अंदर सिडनी सिक्सर की टीम को यहां पर जीत दिलाते हुए। चलिए, स्मिथ यहां पर एक बार फिर से अपने गेंदबाजी रनअप पर, बीच में रुक गई, दबाव यहां पर चेहरे पर साफ दिखते हुए स्मिथ के। जी हां, दबाव नहीं, इसको खौफ कहना चाहेंगे, जो इस समय होबार्ट हरिकेन्स के गेंदबाजों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ, होबार्ट हरिकेन्स का इस गेम में काफी पीछे हैं, स्मिथ की यहां पर यह गेंद। जी
हाँ इस बार बढ़िया गेंद थी, थोड़ा सा तेज इस गेंद को फेंका था, इस गेंद को हल्के हाथों से कवर की दिशा में खेलते हुए एक रन यहाँ पर ले लिया। स्ट्राइक आ गई है सूजी बेट्स के पास, ओवर हो चुके हैं 4.4। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 38 रन बिना किसी नुकसान के। जीतने के लिए चाहिए 119 रन, गेंदें बची हुई हैं 92। चलिए एक बार फिर से इस बार स्मिथ गेंद डालेगी सूजी बेट्स को, तो सूजी बेट्स पहले ही आक्रामकता के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही है। चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला, गेंद जाती हुई गली के फील्डर के पास, कोई रन बनाने का यहाँ पर मौका नहीं। तो सिडनी सिक्सर की टीम इस मुकाबले में काफी आगे इस समय प्रतीत होती हुई, लेकिन सिचुएशन कब बदल जाए, सिर्फ 2 विकेट यहाँ से चाहिए इस स्थिति को यहाँ से पलटने के लिए, सिर्फ 2 विकेट चाहिए होबार्ट हरिकेन्स की टीम को। चलिए इसी के साथ अगली गेंद एक बार फिर से फ्लाइटेड डिलीवरी यहाँ पर, इस गेंद को यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिशा दिखाते हुए मिडॉन की तरफ, एक सिंगल यहाँ से भी मिल जाएगा, ओवर की होती हुई समाप्ति। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 39 रन बिना किसी नुकसान के 5 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 118 रन, गेंदें बची हुई हैं यहाँ से 90। तो देखते हैं आने वाले 15 ओवर, अगर ये मुकाबला 15 ओवर तक चला तो, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है और अगर यहाँ से विकेट नहीं जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि ये मुकाबला 20 ओवर तक चलने वाला है, उससे काफ़ी पहले ये मुकाबला समाप्त हो सकता है। सूजी बेट्स और एलएसएल यहां पर अपनी टीम को एक ड्रीम शुरुआत देते हुए, बड़े मुकाबलों की प्लेयर हैं, काफी बढ़िया बल्लेबाजी करती हैं और आज दिखाते हुए यहां पर क्यों इनकी ओपनिंग बल्लेबाजी को सबसे बेहतर कहा जाता है। तो सूजी बेट्स यहां पर कमाल दिखाते हुए शुरुआत सूजी बेट्स ने की थी आक्रामक शॉटों के साथ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता यहां पर एलेक्स हेली ने यहां पर बैटन ले ली सूजी बेट्स से रन गति को आगे बढ़ाने की, और लगातार जब भी चौके लगाती हैं एक चौके पर रुकती नहीं है एलेक्स हेली, एक साथ 2 चौके यहां पर आते हैं एलेक्स हेली के बल्ले से, तो पूरी तरह से दबाव में डाला हुआ है बल्लेबाजों को। चलिए क्या बदलाव होगा यहां पर, क्या गेंदबाजी के अंदर बदलाव होगा। निकोला कैरी के हाथ में गेंद है, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा देर कर दी यहां पर। निकोला कैरी को थोड़ा पहले आप अगर लेकर आते तो ज्यादा बेहतर रहता। चलिए इसी के साथ निकोला कैरी एलएसएली को यहां पर पहली गेंद, यहां पर बढ़िया गेंद थी, स्लोअर गेंद थी, सीधा गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए निकोला कैरी ने पैर अपना जरूर लगाया, पैर से गेंद लगी यहां पर जाकर छिटक गई, एक रन लेने का मौका था, लेकिन शायद अगर पैर ये नहीं लगता तो गेंद सीधा बाउंड्री के पार निकल जाती। तो चलिए बढ़िया यहां पर, जी हां बढ़िया कंसंट्रेशन यहां पर कहना होगा निकोला कैरी का, गेंदबाजी करने के साथ साथ फील्डिंग पर भी उतना ही ध्यान है। इसी के साथ अगली गेंद करने के लिए तैयार होती हुई यहां पर सामने स्ट्राइक पर होंगी एलेक्स हेली, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करती हैं एलेक्स हेली। ज्यादा बढ़िया यहां पर टच में लग रही है निकोला कैरी यहाँ पर, जी हाँ इसी के साथ अगली गेंद, जी हाँ बेहतरीन कवर ड्राइव यहाँ पर लगाते हुए, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास, गेंद गई है एक बार फिर से सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। जी हाँ क्या खूबसूरत यहाँ पर कवर ड्राइव लगाई है एलेक्स हेली ने। एलेक्स हेली ने जितने भी आज शॉट्स लगाए हैं मजा आया है देखकर उन शॉट्स को। तो चलिए यहाँ पर बढ़िया शुरुआत और बढ़िया तरीके से अब यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए किसी भी गेंदबाज को सेटल होने का मौका तक नहीं दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। चलिए यहाँ पर इसी साथ अगली गेंद निकोला कैरी की एलेक्स हेली को, जी हां इस बार सीधी गेंद, गेंदबाज की दिशा में खेलते हुए निकोला कैरी ने गेंद को अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 44 रन बिना किसी नुकसान के 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए देखते हैं मुकाबला यहां से किस प्रकार चलता है। 87 गेंदों में चाहिए 113 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। राह अब थोड़ी सी आसान होती हुई, सिडनी सिक्सर की टीम को अब यहां से जीत की महक आने लगी है। तो चलिए इसी के अगली गेंद यहां पर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, यह गेंद इस बार भी कवर की दिशा में खेलते हुए, लेकिन इस बार फील्डर पीछे मौजूद था इस शॉट के लिए, एक रन यहां पर मिल जाएगा। स्ट्राइक चेंज होते हुए स्ट्राइक आ गई है सूजी बेट्स के पास। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 45 रन बिना किसी नुकसान के 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए बेहद महत्वपूर्ण यह मुकाबला, और इस महत्वपूर्ण मुकाबले में होबार्ट हरिकेन्स की जो गेंदबाजी है वो पूरी तरह से फीकी दिखाई देती हुई, किसी भी गेंदबाज ने अब तक इंपैक्ट नहीं डाला है, सिर्फ एक विकेट की बात थी, सिर्फ एक विकेट आपको लेना था, शुरुआत एक विकेट आप लीजिएगा, बाकी टीम पूरी दबाव में आ जाती है, लेकिन वो एक विकेट यहां पर मिल नहीं पा रहा है अब तक। चलिए निकोला कैरी एक बार फिर से अपने रन अप पर यहां पर तैयार होते हुए सामने स्ट्राइक पर हैं। सूजी बेट्स इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी वाइड लाइन पर, हालांकि ये गेंद थी लेकिन सूजी बेट्स काफी ऑफ स्टंप की तरफ सफल हो गई थी, तो इसी वजह से वाइड गेंद तो ये नहीं दी जाएगी, लेकिन रन भी यहां पर कोई नहीं मिला। तो सूजी बेट्स लगातार एक्सपेरिमेंट करते हुए क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया है सूजी बेट्स ने, लेग स्टंप की तरफ सफल हुई, ऑफ स्टंप की तरफ सफल हुई है, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया है, जी हां जो भी किया है लेकिन बहुत बढ़िया किया है।
चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहां पर, जी हां इस बार बढ़िया गेंद थी, थोड़ी सी ओवर पीछे गेंद थी, इस गेंद को एक बार फिर से बैकफुट पर जाते हुए गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है बाउंड्री लाइन पर, एक रन यहां पर मिल जाएगा, एक रन यहां पर मिल जाएगा। इसी के साथ होती हुई ओवर की समाप्ति, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 46 रन बिना किसी नुकसान के 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जीतने के लिए चाहिए 111 रन, गेंदें यहां पर बची हुई है 84। तो चलिए देखते हैं मुकाबला यहां पर किस प्रकार से चलता है, कैसी रहती है यहां पर ये चेज। 84 गेंदों में 111 रन बचे हुए हैं, तो काफ़ी आसान ये रहा लगते हुए सिडनी सिक्सर के लिए। और जिस प्रकार की आज गेंदबाजी हो रही है वो गेंदबाजी में दम दिखा नहीं है होबार्ट हरिकेन्स की, वरना हमेशा ऐसा लगता है कि इनके गेंदबाज किसी भी टीम को मुसीबत में डाल सकते हैं, लेकिन आज पूरी तरह से यहाँ पर फीकी। या तो ये कमाल है इतनी बढ़िया बल्लेबाजी होने का जो सूजी बेट्स और एल एस एली कर रही हैं। जी हाँ, होबार्ट हरिकेन्स की टीम ने 156 रन बनाए थे, बदले में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर की टीम के 46 रन हो चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पर जॉनस्टन को बुलाया गया, रूथ जॉनस्टन आई हैं गेंदबाजी करने के लिए, काफ़ी बढ़िया गेंदबाज हैं, अक्सर विकेट लेकर जाती हैं इस टीम के लिए, गोल्डन आर्म कई बार बोला जाता है, जब भी कप्तान इनको लगाती है कम से कम एक विकेट लेकर जाती हैं। लेकिन आज देखना होगा क्या इनकी किस्मत इनका साथ देगी। रूथ जॉनस्टन की पहली गेंद पर एक सिंगल आ चुका है, स्ट्राइक अब एल एस एली के पास, एल एस एली सामना करेंगी रूथ जॉनस्टन की दूसरी गेंद का। तो चलिए देखते हैं रूथ जॉनस्टन की यहां पर ये गेंद एल एस एली के लिए, जी हां ये गेंद आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल, कवर की दिशा में गेंद को खेला, विकेट यहां पर जाते हुए एल एस एली का, कवर के फील्डर के सीधा हाथों में कैच यहां पर थमाते हुए, फील्डर को यहां पर दाएं बाएं भी हिलने की जरूरत नहीं पड़ी, जहां पर फील्डर मौजूद थी वहीं पर यहां पर विकेट गंवाते हुए। चलिए यहां पर जैसा कि बताया था, रूथ जॉनस्टन जब भी आती है विकेट लेकर जाती हैं, गोल्डन आर्म इनको कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इस समय इस स्थिति के अंदर भी यहां पर सिडनी सिक्सर की टीम का पहला विकेट झटका यहां पर रूथ जॉनस्टन ने। तो चलिए बढ़िया यहां पर गेंदबाजी होते हुए कुछ यहां पर गेंदबाजी में दम दिखा है। एल एस एली बढ़िया 18 गेंदों में 26 रन बनाकर यहां पर आउट होकर वापस पवेलियन जाते हुए सिडनी सिक्सर की टीम को पहला झटका लग चुका है। लेकिन अब एक और मंझी हुई बल्लेबाज, एक और नामी बल्लेबाज एलिस पेरी स्ट्राइक पर है। जी हां ये भी यहां पर कम नहीं है। देखना होगा सूजी बेट्स और एलिस पेरी की जोड़ी क्या कमाल करके दिखाती है, या फिर एक विकेट लेने के बाद अब होबार्ट हरिकेन्स की टीम इस मुकाबले में वापस आ पाएगी, देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, आप भी भाई मैसेज करके बताते रहिएगा। 82 गेंदों में चाहिए 110 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए, 6.2 ओवर में स्कोर है 47 रन, एक विकेट के नुकसान पर रूथ जॉनस्टन पहला विकेट ले चुकी है, एलिस पेरी का स्ट्राइक रेट 103, हाईएस्ट स्कोर भी 103 रन है। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाज हैं, देखना दिलचस्प रहेगा कैसी यहाँ पर होती है बल्लेबाजी। चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर, जी हाँ छोटी गेंद थी, इस गेंद को यहाँ पर दिशा दिखा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा यहाँ पर, आते ही यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास है एलिस पेरी के द्वारा, स्ट्राइक अब आ गई है सूजी बेट्स के पास। तो चलिए जी हाँ, बल्लेबाजों की मंशा यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, विकेट जाने के बाद भी यहाँ पर कोई भी डिफेंसिव अप्रोच नहीं दिखी एलिस पेरी की तरफ से। रूथ जॉनस्टन यहां पर एक बार फिर से, इस बार सूजी बेट्स को ये गेंद थी, इस बार बैकफुट पर जाते हुए गेंद को यहां पर पोल किया, गेंद जा रही है यहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा की तरफ, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन यहां से मिल जाएगा, एक रन के साथ स्ट्राइक एक बार फिर से चेंज होते हुए, छोर बल्लेबाजों ने बदला है, स्ट्राइक आ गई है एलिस पेरी के पास, टीम का स्कोर है 49 रन, एक विकेट के नुकसान पर। रूथ जॉनस्टन जल्दी जल्दी यहां पर अपना ओवर खत्म करते हुए एक बार फिर से तैयार है, सामने एलिस पेरी, रूथ जॉनस्टन की यह गेंद यहां पर एलिस पेरी को, जी हां बढ़िया गेंद थी, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ ड्रिफ्ट होते हुए गेंद को यहां पर हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए भेजा है स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा, स्ट्राइक आ गई है सूजी बेट्स के पास। तो यहां पर रूथ जॉनस्टन को सिंगल में यहां पर डील करते हुए, और जो कि अच्छा भी है, बढ़िया यहां पर मैं कहना चाहूंगा एक मानसिकता के साथ बल्लेबाजी होते हुए, जिस गेंदबाज ने विकेट लिया है उसको यहां पर आप थोड़ा सा हल्के तरीके से आप खेलिएगा। रूथ जॉनस्टन की यहां पर अगली गेंद, इस बार एक बार फिर से यहां पर थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, प्रयास था यहां पर एक बार फिर से इनवाइट करने का बल्लेबाज को कि आप बड़ा शॉट लगाइएगा, एलिस पेरी ने ऐसा लगा कि कोशिश भी यहां पर जरूर की, लेकिन गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं, एक रन मिल जाएगा, ओवर यहां पर होते हुए समाप्त। तो चलिए सफल ओवर की समाप्ति यहां पर होते हुए रूथ जॉनस्टन के, 7 ओवर की समाप्ति के बाद सिडनी सिक्सर का स्कोर है 51 रन, एक विकेट के नुकसान पर। जी हां, जीतने के लिए चाहिए मात्र 106 रन, गेंदें बची हुई है यहां से 78। तो चलिए देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार से यहां पर चलता है। जी हां, सिडनी सिक्सर की टीम इस मुकाबले में काफ़ी आगे, अभी तक कम से कम
दो विकेट और चाहिए, कम से कम दो बैक टू बैक यहाँ पर विकेट्स और चाहिए, देखना होगा क्या विकेट्स आएंगे। हालांकि क्रिकेट में कहा जाता है जब भी एक विकेट गिरता है तो एक विकेट के साथ साथ दूसरा विकेट भी काफ़ी जल्दी आता है, देखना होगा दूसरा विकेट यहाँ से अगर सूजी बैट्स का आ जाए, सूजी बैट्स का अगर यहाँ से विकेट आ जाता है तो मेरे ख्याल से मुकाबला यहाँ से भी काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। 78 गेंदों में मात्र 106 रन चाहिए। जी हाँ, जीत का फासला धीरे धीरे यहाँ पर कम होते हुए, काफ़ी कम होते हुए, शुरुआत जिस समय हुई थी उस समय लग रहा था कि 157 रन यहाँ पर काफ़ी होने चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस प्रकार की बल्लेबाजी की है हेली ने और उसके साथ साथ सूजी बैट्स ने, शायद यहाँ पर 180 रन भी आपको कम पड़ते चेज कर बचाने के लिए। चलिए निकोला कैरी आई हैं, निकोला कैरी यहाँ पर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद थी बढ़िया तरीके से इस गेंद को खींच कर खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हाँ, एक रन यहाँ से भी मिल जाएगा सूजी बैट्स को। स्ट्राइक आ गई है एलिस पेरी के पास। एलिस पेरी अब सामना करेंगी अगली गेंद का। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 52 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.1 ओवर की समाप्ति के बाद। तो आज एक हमने खूबसूरत पार्टनरशिप देखी है सूजी बैट्स के बीच में। जी हाँ, जिस प्रकार की बल्लेबाजी सूजी बैट्स ने की है, किसी भी बड़े गेंदबाज को वो दबाव में डाल सकती हैं। चलिए इसी साथ एलिस पेरी यहां पर एक बार फिर से तैयार होते हुए निकोला कैरी की यहां पर ये गेंद, निकोला कैरी दौड़ते हुए यहां पर एलिस पेरी को ये गेंद डालते हुए छोटी गेंद, यहां पर गेंद को दिशा दिखाई है थर्ड मैन की तरफ, पीछे फील्डर तोड़ रही है। जी नहीं, कोई फायदा नहीं है, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। एक बेहतरीन शॉट यहां पर, गेंदबाज की गति का पूरी तरह से यहां पर फायदा उठाते हुए एलिस पेरी ने यहां पर बढ़िया शॉट यहां पर खेला। चलिए 4 रन यहां पर आ चुके हैं, 4 रन के साथ यहां पर शुरुआत हुई है, बेहतरीन टीम का स्कोर है 56 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी के साथ देखते हैं अगली गेंद यहां पर, अगली गेंद यहां पर निकोला कैरी के सामने है एलिस पेरी। जी हां, इस बार बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ पर यह गेंद थी, कवर की दिशा में गेंद को खेलने की कोशिश की लेकिन गेंद सीधा फील्डर के पास जाते हुए, कोई रन बनाने का मौका नहीं। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 56 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए होंगे 101 रन, गेंदें यहां से बची हुई है 75, तो 75 गेंदों में 101 रन, फाइट अभी भी हो सकती है, फाइट अभी भी हो सकती है। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से यहां पर निकोला कैरी दौड़ते हुए, जी हां, इस गेंद को बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेंथ पर यह गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया इस गेंद पर, खेला गेंद को मिडऑन की दिशा में, एक रन तेजी से दौड़कर पूरा किया। जी हां, चलिए सिडनी सिक्सर का स्कोर है 57 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की समाप्ति पर। विकेट चाहिए यहां से, आओ विकेट यहां से चाहिए भाई, नीड ऑफ द आवर यहां से विकेट है इस समय, विकेट चाहिए कम से कम दो अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है होबार्ट हरिकेन्स की टीम को। चलिए इसी के साथ यहां पर अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद थी, फुल टॉस गेंद, कदमों का इस्तेमाल सूजी बैट्स के द्वारा, गेंद को पोल किया, गेंद जा रही है स्क्वेयर लेग सीमा रेखा की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन मिल जाएगा, एक रन यहां से मिल जाएगा एलिस पेरी के पास। स्ट्राइक आते हुए सिडनी सिक्सर का स्कोर है 58 रन एक विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की समाप्ति के बाद। जी हां, निकोला कैरी आखिरी गेंद यहां पर, इस ओवर की होगी आखिरी गेंद, सामने होंगी यहां पर एलिस पेरी, देखना होगा किस तरह से यहां पर ओवर को खत्म करती हैं। जी हां, एलिस पेरी को यहां पर यह गेंद, जी हां, बढ़िया गेंद, गेंदबाज की दिशा में शॉट को खेलते हुए गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है, मात्र एक रन से संतुष्ट यहां पर रहना पड़ेगा। तो चलिए ओवर की होती हुई यहां पर समाप्ति, सिडनी सिक्सर का स्कोर है 59 रन एक विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। जीतने के लिए चाहिए 98 रन। जी हां, जीतने का जो आंकड़ा है, रनों का जो फासला है, वो 100 से कम आ चुका है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव यहां पर होबार्ट हरिकेन्स की टीम के ऊपर बनता हुआ, क्योंकि अब जीतने के लिए मात्र 98 रन चाहिए। गेंदें बची हुई है यहां पर 72, सूजी बैट्स बल्लेबाजी कर रही है 25 रन पर 24 गेंदों का सामना करके। वहीं एलिस पेरी अभी अभी आई है, लेकिन शुरुआत क्या बेहतरीन की है एलिस पेरी ने भी, 8 रन बनाकर खेल रही है, 6 गेंदों का यहां से किया है सामना। तो चलिए बाकी के बचे हुए 12 ओवर में यहां पर किस प्रकार से मुकाबला चलेगा, देखना दिलचस्प रहेगा। रिक्वायर्ड रन रेट अभी भी कंट्रोल में है, मात्र 8.17 रन प्रति ओवर की दर से यहां पर अभी रन चाहिए। चलिए रूथ जॉनसन एक बार फिर से, जी हां, स्ट्राइक गेंदबाज है, विकेट लिया था पिछले ओवर में, पहली गेंद यहां पर, इस गेंद को यहां पर दिशा दिखाई है स्क्वेयर लेग की दिशा में, छोटी गेंद थी, पुल कर दिया एलिस पेरी ने, एक रन यहां से मिल जाएगा, एक रन मिल जाएगा, एक रन के साथ स्ट्राइक आ गई है सूजी बैट्स के पास। जी हां, यह कॉन्टेस्ट काफी महत्वपूर्ण रहेगा, सूजी बैट्स वर्सेस रूथ जॉनस्टन, ये यहां पर काफी बढ़िया कॉन्टेस्ट आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए सूजी बैट्स यहां पर तैयार, रूथ जॉनस्टन यहां पर एक बार फिर से बढ़िया गेंद, फ्लाइटी डिलीवरी, छोटी गेंद, पोल कर दिया, गेंद जाती हुई यहां पर मिडऑन के फील्डर के पास, सिर्फ एक रन से यहां पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्ट्राइक
स्ट्राइक एक बार फिर से आ गई है एलिस पैरी के पास। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद। एलिस पैरी करेंगे सामना यहाँ पर अब रूथ जॉनस्टन का। रूथ जॉनस्टन की यहाँ पर अगली गेंद फ्लाइट डिलीवरी, एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाई है मिडॉन की तरफ, इस बार काफी फाइन खेलते हुए गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। चलिए एक और बेहतरीन चौका एलिस पैरी के बल्ले से यहाँ पर आता हुआ बैकफुट पर गई थी, बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला था मिडॉन की दिशा में। फील्डर हालांकि मौजूद था लेकिन इस शॉट को काफी फाइन खेला था। जी हाँ, जानती थी फील्डर कहाँ पे खड़ा हुआ है। गैप में शॉट को निकालते हुए 4 रन प्राप्त करते हुए अपने लिए और अपनी टीम के लिए सिडनी सिक्सर का स्कोर है 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की समाप्ति के बाद। इसी के साथ यहाँ पर अगली गेंद, एक बार फिर से गेंदबाज की दिशा में शॉट को खेलने का प्रयास किया लेकिन थोड़ा सा फाइन खेला, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की तरफ, पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन यहाँ से मिल जाएगा, 1 रन यहाँ से मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ स्ट्राइक आ गई है सूजी बेट्स के पास। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 66 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चलिए इसी के साथ अगली गेंद यहाँ पर, जी हाँ, इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड की तरफ यहाँ पर शफल करते हुए यहाँ पर सूजी बेट्स बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। लगातार सूजी बेट्स के द्वारा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया जरूर जा रहा है लेकिन लगातार असफल यहाँ पर होती, लेकिन अच्छी बात यह कि सिंगल यहाँ से मिल रहे हैं तो सिंगल के सहारे यहाँ से पारी आगे बढ़ते हुए एलिस पैरी इस बार सामना करेंगे रूथ जॉनस्टन की इस ओवर की आखिरी गेंद का। फ्लाइट डिलीवरी, थोड़ा सा गेंद की लाइन को इस बार अपनी तरफ खींचा यहाँ पर रूथ जॉनस्टन ने, लेकिन तैयार थी यहाँ पर एलिस पैरी। बैकफुट पर जाते हुए बढ़िया तरीके से शॉट को खेला मिडॉन की तरफ, 1 रन यहाँ पर हासिल किया। सिडनी सिक्सर का स्कोर है 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जीतने के लिए यहाँ से चाहिए 89 रन, गेंदें बची हुई है यहाँ से 66। तो चलिए देखते हैं मुकाबला यहाँ से आगे किस प्रकार चलता है। 66 गेंदों में 89 रन चाहिए यहाँ से, देखते हैं मुकाबला आगे किस प्रकार चलता है। तो यहाँ से अब सभी भाई को नमस्कार। टारगेट जो है 157 रन का है जीतने के लिए और स्कोर हो चुका है। अगर स्कोर की बात की जाए तो होबार्ट हरिकेन्स का यहाँ पर स्कोर 156 रहा है और 68 रन बन चुके हैं, 1 विकेट नुकसान पर। यहाँ पर सिडनी सिक्सर का स्कोर है 66 बॉल्स में 89 रन चाहिए जीतने के लिए। स्ट्राइक में मौजूद हैं सूजी बेट्स और एलिसा पैरी। यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से गेम जो है वो आगे बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा, जुड़ रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर बात करें यहाँ पर तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसान लग रहा है कि मुकाबला काफ़ी हद तक सिडनी सिक्सर के लिए, मगर यहाँ से अगर विकेट छटकाते हैं तभी काम बनेगा। हिली जैनसन के हाथ में गेंद है, पहली गेंद हिली जैनसन के इस ओवर की और यहाँ पर एलिसा पैरी को सिंगल लिया इस गेंद पर। सूजी बेट्स आ गई स्ट्राइक पर। सूजी बेट्स ने 26 गेंदें खेली हैं, 27 रन, 26 गेंदें खेली 27 रन बनाए हैं। यहां पर देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। यहां पर 69 रन और लॉस ऑफ 1 विकेट, 9.1 गेंद हो चुकी है। अगली गेंद हिली जैनसन के इस ओवर की, अगली गेंद सामने मौजूद सूजी बेट्स का, बड़े प्रहार करेंगी यहां से क्योंकि सिर्फ 65 गेंदों में 88 रन चाहिए जीतने के लिए और अच्छा खासा मुकाबला चल रहा है। चलते हैं जरा गेम की तरफ, देखते हैं आगे किस तरीके से यह गेम चलता है। अगली गेंद बार सूजी बेट्स को, हिली जैनसन के आउट कर दिया इस गेंद पर। जरूरत थी इस विकेट की और कैच आउट हो गई यहां पर सूजी बेट्स इस विकेट के तलाश में यहां पर और विकेट जाता हुआ। स्कोर हो चुका है 69 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 9.2 गेंदें हो गई हैं। सूजी बेट्स हुई यहां पर कैच आउट, 27 गेंदों में बनाए सिर्फ 27 रन और यहां पर पवेलियन भेजा हिली जैनसन ने। मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ है यहां पर सिडनी सिक्सर के लिए और सिडनी सिक्सर जिस तरीके से खेल रहा है दबाव अपने ऊपर डालेगा, मगर अभी भी आने वाली बल्लेबाज एशली गार्डनर बची हुई है जो जबरदस्त बल्लेबाजी करती है। क्या यहां से गेम आगे चलेगा? 69 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 9.2 गेंदों का खेल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा। उम्मीद है यही कि एक जबरदस्त खेल जो है वो देखने को यहां पर मिल जाए और जबरदस्त खेल जो है वो यहां पर हो। अभी तक तो बढ़िया लग रहा है ये मुकाबला, क्या आगे भी इसी तरीके से गेम चलता हुआ नजर आएगा? यहां पर 64 गेंद, 88 रन चाहिए जीतने के लिए। पिछली मैच के ही यहां पर हीरो एशली गार्डनर जो है वो आ चुकी है। एशली गार्डनर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने आई है। यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से खेलेंगी। 64 गेंदें, 88 रन चाहिए जीतने के लिए। जब जब ऐसा लगता है कि सिडनी सिक्सर जो है इस मुकाबले में आगे बढ़ रहा है, मगर तभी जो है विकेट्स आ जाते हैं यहाँ पर
क्या विकेट मिल पाएगा इस गेंद पर, देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ, साथ में डेल्टा 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा। लिंक है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, लाइव चैनल पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। 100 रुपये डिपॉजिट करने पर आप यहाँ पर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। खेलिए और जीतिए, डेल्टा 7 ऐप के साथ मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए अगली गेंद, हिली जैनसन के ओवर के सामने है एशली गार्डनर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। बढ़िया ये गेंद थी और कोई भी मौका नहीं यहाँ पर रन बनाने का। देखते हैं अब आगे किस तरीके से ये गेम चलता है, यहाँ पर किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है, क्योंकि ज़बरदस्त खेल होने की उम्मीद है। 3 गेंदें हो गई हैं इस ओवर के। एक बड़ा विकेट सूजी बेट्स के रूप में यहाँ पर छटकाया है हिली जैनसन ने, और 63 गेंदें 88 रन चाहिए जीतने के लिए। 69 रन लॉस्ट 2 विकेट। अगली गेंद हिली जैनसन के इस ओवर के सामने मौजूद एशली गार्डनर, इस बार कलाइयों के सहारे खेल दिया इस गेंद को। 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर जो है बल्लेबाज एशली गार्डनर को, बिल्कुल अच्छी शॉट, अच्छी बल्लेबाजी करते, तेज बल्लेबाजी करती है। इनका यहाँ से आगे तक खेलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर बात करी जाए तो 62 गेंदों 87 रन चाहिए जीतने के लिए। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, अब देखते हैं आगे किस तरीके से खेल चलता है। यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया है, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। 9.5 गेंदें हो गई हैं, 71 रन 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर स्कोर हो चुका है। सिंगल लिया एलिशा पैरी ने इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए हैं एशली गार्डनर। 61 गेंदों में चाहिए 86 रन। चलते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में। यहाँ से कोशिश यही दोनों बल्लेबाजों की कि बड़े शॉट लगाए जाएं और रन गति को कम किया, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट भी आप नज़र रखिएगा 8.46 है। अगर कोई टीम इस रन रेट को चेज कर सकती है तो वहाँ पर सिडनी सिक्सर है, टेबल टॉपर हैं और टेबल पे जो है यहाँ पर टॉप पे खड़े हुए हैं। और उम्मीदें यही हैं कि ज़बरदस्त खेल देखने को मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा और जुड़ जाइएगा मुकाबले के साथ। चलिए यहाँ पर आखिरी गेंद पर सिंगल लिया एशली गार्डनर ने, 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 72 रन 2 विकेट नुकसान पर सिडनी सिक्सर का स्कोर है। यहाँ पर देखना होगा अब किस तरीके से गेम चलता है, यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर गेम चलेगा। 60 गेंदें 85 रन चाहिए जीतने के लिए। आप सब लोग जो है डेल्टा 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देखने वाली बात है किस तरीके से ये गेंद गेम जो है वो आगे की तरफ चलता है। 60 गेंदें 85 रन चाहिए जीतने के लिए। 8 विकेट हाथ में सिडनी सिक्सर के, और डेल्टा 7 आपके साथ जुड़ता रहिए। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लिंक को क्लिक करिए, और लिंक को क्लिक करने के बाद अपना रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर आपकी आईडी जो है क्रिएट हो जाएगी डेल्टा 7 ऐप पे। अब यहाँ पर 2 साइड बेट अवेलेबल है, लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, दोनों टीमों पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर बस आपको ये करना है, हमारे लिंक के थ्रू आईडी बनाना है, प्लस कोई भी प्रमोशन ऐड नहीं करना है, कोई बोनस नहीं मिलेगा, मगर सिर्फ आईडी मिलेगी, जिस आईडी में आप लॉस कट बुक सेट करके जो है अच्छा खासा पैसा जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो खेलिए और जीतिए, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है, अब देखना होगा क्या होता है इस मुकाबले में। यहाँ से सिडनी सिक्सर जो है वो काफ़ी बेहतर लग रही है खेलने में, और सिडनी सिक्सर चाहेगी कि यहाँ से मुकाबले में इसी तरीके से गेम को आगे चलाया जाए। बस कुछ ही देर में यहाँ पर फैसला आ जाएगा, बस अब 60 गेंदें बची हैं इस पारी की, और उसके बाद इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है वो होगा। मजा आएगा उस खेल में, देखने में मजा आएगा किस तरीके से होगा। अगर बारिश ने खलल डाला तो यहां पर देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। यहां पर आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मुकाबले में हमारे साथ जुड़ रहिएगा हमारे साथ। लाइक करिए आप सब लोग, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जुड़ रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। देखते हैं अभी क्या होगा इस मुकाबले का सूरत हाल। यहाँ पर आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जुड़ रहिएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यहाँ पर 8.57 5 शून्यों के रिक्वायरमेंट, ड्रिंक्स ब्रेक खत्म हो रहा है। हिली जैनसन ने यहाँ पर गेम को वापसी ज़रूर करी है। यहाँ पर आप सब लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मुकाबला काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेते हैं थोड़े बहुत मैसेजेस अपने व्यूअर्स से, पूछा जाए सवाल कि भाई क्या लग रहा है उनको। अब आएगा 80 रन से पहले की दो विकेटें चाहिए होंगी यहाँ पर। देखते हैं अब क्या होगा हाँ इस पर मुकाबले में, और लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।
लाइक करिएगा आप सब लोग। यहाँ पर विकेट आएगा, भाई कह रहे हैं डी कंपनी ऑफिशियल भाई को तो कुछ कह ही नहीं रहे, रुक गए शायद। चलिए यहाँ पर ग्यारहवें ओवर की पहली गेंद पर चौका बटोरा इस गेंद पर, और चौका बटोरते ही यहाँ पर लगा है चौका। आज चौका बटोर लिया, 76 रन बन चुके हैं इस ओवर में, और बढ़िया ये शॉट था। स्कोर हो चुका है यहाँ पर अब 76 रन, 2 विकेट नुकसान पर। जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, और काफ़ी बढ़िया मुकाबला होने की उम्मीद है। चाहेंगे यार कि एक ज़बरदस्त खेल जो है वो यहाँ पे हो, और यहाँ से बड़े शॉट लगे और लग भी रहे हैं। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, इस गेंद पर एमी स्मिथ को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, और यहाँ से कोशिश यही है कि बड़े बड़े शॉट लगाए जाएँ। क्या बड़े बड़े शॉट लगा पाएंगे, क्या लगा सकते हैं, देखना होगा। यहाँ पर चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को कर दीजिएगा लाइक। जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में अगली गेंद एमी स्मिथ की, इस बार एशली गार्डनर ने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को खेल दिया, हवा में गई, ये गेंद चौका मिल जाएगा इस गेंद पर। बढ़िया ये शॉट था, बढ़िया ये गेंद थी, और यहाँ पर चौका बचोड़ लिया इस गेंद पर। खूबसूरत ये शॉट है इस मुकाबले में, काफी बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है एशली गार्डनर के द्वारा। 6 गेंद में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, 2 चौके लगा चुकी हैं इसी ओवर में। एमी स्मिथ के ओवर की अगली गेंद, 4थी गेंद, इस बार सामने मौजूद एशली गार्डनर, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर, कोई भी रन नहीं मिला इस गेंद पर। बढ़िया ये गेंदबाजी चल रही है, बकरी बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है, खासकर गेंदबाजी उतनी कुछ खास हो नहीं रही है यहाँ पर, जो जो हो रही है वो बल्लेबाजी हो रही है। देखना होगा किस तरीके से अब गेम चलता है, और किस तरीके से गेम जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। चलते हैं ज़रा और बढ़ते हैं ज़रा मुकाबले की तरफ। इस बार अगली गेंद, इस बार गया 5वीं गेंद, एशली गार्डनर को सिंगल लिया इस गेंद पर। स्कोर हो चुका है 81 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 10.5 गेंदें हो चुकी हैं। यहां से कोशिश यही कि बड़े बड़े शॉट्स लगाए जाएं, और कोशिश किया जाए इस मुकाबले में गेम को आगे बढ़ाने का। 81 रन बन चुके हैं अब अगली गेंद। इस बार एलिसा पैरी को गेंद खेल दिया, थोड़ा सा हवा में खेला था शॉट को, मगर 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर, और यहाँ पर जो है आगे देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 82 रन, 2 विकेट नुकसान पर वेस्ट इंडीज का स्कोर है। स्ट्राइक पे हैं एलेक्सा पैरी, और यहाँ से कोशिश है कि बड़े बड़े शॉट लगाकर इस मैच को फिनिश किया जाए। क्या मैच को अब फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से जिस तरीके से गेम लग रहा है सिडनी सिक्सर के हाथ में लग रहा है, क्योंकि 54 गेंदों में सिर्फ 75 रन चाहिए जीतने के लिए। यही वो टीम है जो चेज कर सकती है इस टोटल को, अगर इस टोटल को आगे लेके जाना है तो यहाँ से गेम को आगे बढ़ाना होगा। विकेट चाहिए क्या सर, एलिसा पैरी और एशली गार्डनर, क्योंकि एशली गार्डनर और एलिसा पैरी दोनों जो है बड़े शॉट खेल लेती हैं, अगर दोनों यहाँ से अच्छा खेल दिखाती हैं और अच्छा गेम चलता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है इस मुकाबले में, और किस तरीके से गेम आगे चढ़ता है चलता है इस मुकाबले में। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, देखते हैं क्या करते हैं इस मुकाबले का सूरत हाल। यहाँ पर आप सब लोग जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर, और यहाँ पर चलते हैं जरा गेम की तरफ। इस बार देखना होगा, 82 रन बन चुके हैं यहाँ पर, और किस तरीके से गेम चलेगा, किस तरीके से गेम आगे बढ़ेगा देखना होगा। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 82 रन, 2 विकेट नुकसान पर, और आप सब लोग जुड़ रही है लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, और किस तरीके से गेम चलता है वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर, किस तरीके से गेम आगे बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर सिडनी सिक्सर आसानी से इस मुकाबले में बिल्कुल कब्जा करके बैठी हुई है, इस मुकाबले को कोई मौका नहीं दे रही है। यहाँ पर अगर बात करें स्कोर की, तो स्कोर हो चुका है 83 रन, 2 विकेट नुकसान पर, 11.2 गेंदें हो चुकी हैं, 52 गेंदों में 74 रन चाहिए जीतने के लिए, 8.54 का रिक्वायर रन रेट हो चुका है यहाँ पर। कोशिश यही कि बड़े बड़े शॉट लगाए जाए, क्या लगा पाएंगे यहाँ पर देखना होगा। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप सब लोग। मैच उठेगा या नहीं भाई, देखिए मैच उठने के लिए विकेट चाहिए, खासकर एलिसा पैरी और एशली गार्डनर का, दोनों का अगर विकेट मिलता है तभी ये मैच उठ सकता है, बाकी अदरवाइज तो होबार्ट जो है बिल्कुल थंडर, होबार्ट जो टीम है ना वो कुछ खास लग नहीं रही इस मुकाबले में। अगर बात करें यहाँ पर मुकाबले की, तो लग तो थोड़ा बहुत रहा है, क्योंकि 51 गेंद में 73 रन बनाना आसान नहीं होता, रिक्वायर्ड रन रेट 8.5 का है, विकेटों की तलाश में रहेंगे। चलिए अगली गेंद, इस बार
इस बार एलिशा पैरी को कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। 84 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 11.4 गेंदें हो चुकी हैं। क्या इस मैच में कमाल होगा, क्या कमाल धमाल होगा इस मुकाबले में। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, इसी तरीके से जुड़ रही है मुकाबले में हमारे साथ। क्या होगा इस मैच का सूरत हाल, देखने वाली बात होगी। यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश यही है कि ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिले, पर बल्लेबाजी देखने को मिल भी रही है खासकर सिडनी सिक्सर से। चलते हैं अगली गेंद की तरफ। इस बार मॉली स्टेनो कर रही है गेंदबाजी, 5वीं गेंद इस ओवर की सामने मौजूद है एलिशा पैरी, 16 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रही हैं। 5वीं गेंद देखना होगा किस तरीके से खेलती हुई नजर आएंगी। 50 गेंदों में चाहिए 73 रन जीतने के लिए। एक बार फिर से एलिशा पैरी को बड़ा शॉट खेला इस गेंद पर एलिशा पैरी ने, चौका बटोरा इस गेंद पर। 88 रन पर पहुंच चुकी है सिडनी सिक्सर की यह पारी 2 विकेट नुकसान पर। 11.5 गेंदें हो चुकी हैं, अच्छा खासा ये शॉट खेला है इस गेंद पर और स्कोर बटोरा है 88 रन 2 विकेट नुकसान पर 11.5 गेंदों के बाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, यहाँ पर कोशिश यही है ज़बरदस्त खेल जो है वो देखने को मिल जाए। यहाँ पर ज़बरदस्त ये बल्लेबाजी चल रही है। 89 रन लॉस ऑफ 2 विकेट, 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ से। 48 गेंदों में 68 रन चाहिए जीतने के लिए। 8.50 का रिक्वायरमेंट रेट, यूँ कहें कि चौके तो आ रहे हैं मगर रिक्वायरमेंट रेट अभी भी 8.5 का है। जिस तरीके से दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है मैच बिल्कुल कंट्रोल्ड में है सिडनी सिक्सर के। देखते हैं अभी आगे क्या होता है इस मुकाबले का सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, डेल्टन 7 ऐप के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है। 15 मिनट के अंदर विड्रॉल आपको मिल जाता है बैंक अकाउंट के अंदर आपके। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, जीत सकते हैं, तो खेलिए और जीतिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पर जाकर आप खेल सकते हैं। 2 साइड बेट अवेलेबल है अब यहाँ पर, दोनों तरफ आप बुक सेट कर सकते हैं, दोनों तरफ लॉस कर बुक सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना होगा, कोई भी बोनस आपको ऐड नहीं करना है अपने इस आईडी में, सिर्फ सिंपल रखना है और गेम को चलाना है, आईडी को चलाना है। माफी चाहेंगे, थोड़ी खांसी बहुत ज़्यादा यार, ठंड बढ़ रही है इसलिए खांसी भी काफ़ी आ रही है। यहाँ से बता दें कि 13वां ओवर शुरू हो चुका है, 2 गेंदें हो गई इस ओवर की। और रुत जॉनसन आई है गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर मौजूद एशली गार्डनर। काफ़ी चाहेंगे, थोड़ी खांसी आ रही है यार, पानी पियेंगे एक बार। तो चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ। यहाँ पर 91 रन बन चुके हैं 2 विकेट नुकसान पर, 12.23 गेंदें हो चुकी हैं। बात करें यहाँ पर एलिशा पैरी स्ट्राइक मौजूद हैं, 20 गेंदें 25 रन बनाकर खेल रही हैं। रुथ जॉनसन के ओवर में 2 रन आए हैं, रिक्वायरमेंट रेट एक बार फिर से 9 के करीब आता हुआ। 45 गेंदें 66 रन चाहिए जीतने के लिए। यहाँ पर जरूरत है होबार्ट हरिकेन्स को एक विकेट की, का विकेट मिल पाएगी, देखना होगा। अगली गेंद एलिशा पैरी को, इस बार हल्का तो खेला, सिंगल बटोरा इस गेंद पर, 92 रन 2 विकेट नुकसान पर, 12.4 गेंदें हो चुकी हैं। एशली गार्डनर 10 गेंदों में 13 रन बनाकर खेल रही हैं। यहाँ पर देखना होगा अब आगे किस तरीके चलती है। पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो उतनी तेज़ ये पार्टनरशिप नहीं है, सिर्फ 20 गेंदों में 23 रन बनाए हैं, ज़्यादा तेज़ की बल्लेबाजी नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद तेज़ खेल रहे हैं। मगर यहाँ पर अभी भी गेम में मौजूद है होबार्ट हरिकेन्स, बस ज़रूरत है एक विकेट की यहाँ पर। रुथ जॉनसन के ओवर की अगली गेंद सामने मौजूद एशली गार्डनर, एक बार फिर से सिंगल लिया इस गेंद पर एशली गार्डनर ने, 93 रन 2 विकेट नुकसान पर, 12.5 गेंदें हो चुकी हैं। अब देखना होगा किस तरीके से ये गेम यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। बढ़िया ओवर यहाँ पर रुथ जॉनसन का, मात्र सिर्फ 3 रन आए इस ओवर से और रिक्वायर्ड रन रेट 9 के पार हो चुका है।
9.14 का रिक्वायरमेंट रेट हो चुका है, 93 रन 2 विकेट नुकसान पर, 13 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एशली गार्डनर 11 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रही है, स्ट्राइक पे होगी एशली गार्डनर। थोड़ा सा अब दबाव यहाँ पर सिडनी सिक्सर महसूस करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि यार रिक्वायरमेंट रेट 9 का है, अगर यहाँ पर विकेट को मिल जाए हॉबर्ट हरिकेन्स की तो हॉबर्ट हरिकेन्स वापसी कर सकता है इस मुकाबले में, और जरूरत भी है, वापसी करना भी चाहिए हॉबर्ट हरिकेन्स को जिस तरीके से उन्होंने खेला है। अच्छी बल्लेबाजी की थी आज, मगर उतना कुछ खास खेल नहीं पाए, मगर गेंदबाजी में थोड़ा सा योगदान देना होगा गेंदबाजों को। तो निकोला कैरी को बुलाया गया, एक अहम ओवर दे रही है 14वां ओवर, क्योंकि यहां से बल्लेबाज एशली गार्डनर और एलिस पेरी कोशिश जरूर करेंगे बड़े शॉट लगाने का, क्योंकि रिक्वायरमेंट रेट 9.14 का हो चुका है, 42 गेंदों में 64 रन चाहिए जीतने के लिए, 93 रन 2 विकेट नुकसान पर, 13 ओवर की समाप्ति के बाद। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को करिएगा लाइक और जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर एशली गार्डनर, पहली गेंद निकोला कैरी की सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगी बल्लेबाज अब एलिसा पेरी, कौन लगाएगा बड़े शॉट, क्योंकि बड़े शॉट की जरूरत है, बड़े शॉटों की यहां पर जरूरत है, और जरूरत यहां पर अब थोड़ा सा सिडनी सिक्सर को लगेगा कि यार रन चाहिए, क्योंकि हर ओवर में आप 3-4 रन से काम चलेगा नहीं, यहां पर थोड़ा बहुत बड़े शॉट लगाने होंगे और तभी इस गेम में आगे जा पाएंगे। चलते हैं अगली गेंद की तरफ, इस बार निकोला कैरी की ओवर की अगली गेंद, सामने मौजूद एलिसा पेरी, क्या बड़ा शॉट लगाते नजर आएंगे। जी हां, सिंगल लिया इस गेंद पर, 2 सिंगल इस गेंद पर भी आ चुके हैं, रिक्वायरमेंट रेट धीरे धीरे 10 के करीब बढ़ता हुआ, और दबाव सिडनी सिक्सर पे आता हुआ। मैं कह रहा हूं कि प्रेशर में टीमें बिखर जाती हैं तो क्या आज भी बिखरते नजर आएगी है यहाँ पर सिडनी सिक्सर टीम। 157 रन का टारगेट था, 95 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर, 13.2 गेंदें हो चुकी हैं, अभी भी 40 गेंदों चाहिए यहाँ पर जो है 62 रन। अगली गेंद इस बार एशली गार्डनर को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, गेंद को भेजा है बाउंड्री की तरफ, मगर वहां पर फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा इस गेंद पर, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा, तो लगातार 3 गेंदों में 3 सिंगल आ चुके हैं और प्रेशर में आ रही है सिडनी सिक्सर। अगर 1-2 ओवर अच्छे आ गए और रिक्वायरमेंट रेट 11 के करीब पहुंच गया तो किसी भी टीम के पास कितने भी धुरंधर बल्लेबाज हो आसान नहीं होता 11 रन प्रति ओवर बनाने अब वुमेन्स के मुकाबले में। चलते हैं जरा अगली गेंद की तरफ, निकोला कैरी की गेंद, सामने मौजूद एलिसा पेरी, इस बार एलिसा पेरी ने बड़ा शॉट खेलने की मन बनाया और चौका बटोरा इस गेंद पर, कदमों का इस्तेमाल किया, कट कर दिया गेंद को, और कवर की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं, वहां पर चौका मिल जाएगा। खराब फील्डिंग यहां पर, खराब फील्डिंग सेटअप है, क्योंकि कवर के अंदर तो आप लोग रखना चाहिए एक फील्डर बाउंड्री की तरफ। यहां पर 100 रन पूरे होते हुए सिडनी सिक्सर की टीम का 2 विकेट नुकसान पर, 13.4 गेंदें हो चुकी है, 38 गेंदों में 57 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बार फिर से अब देखना होगा किस तरीके से गेंदबाजी होती है, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 38 गेंदों में 57 रन चाहिए। अब ये मुकाबला जो है आखिरी कुछ ओवर्स में जा रहा है, जहां पर जो है बड़े शॉट लगाना मजबूरी बन जाएगा यहां पर सिडनी सिक्सर के लिए। निकोला कैरी के ओवर की अगली गेंद, सामने मौजूद एलिसा पेरी, इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया, सिंगल मिलेगा इस गेंद पर यहां पर एलिसा पेरी को, और सीधे बल्ले से खेला था इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, यहाँ पर स्ट्राइक पे आ गई है एशली गार्डनर, 101 रन 2 विकेट नुकसान पर, 13.5 गेंदें हो चुकी है। आप सब लोग जो है Deltin7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके ID क्रिएट करिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है, जाके खेलिए और जीतिए। दोनों साइड बैट अवेलेबल है, बैक एंड ले कर सकते हैं, खाई लगाई कर सकते हैं, और विड्रॉल जो है सिर्फ 15 मिनट के अंदर मिल जाता है, और डिपॉजिट करना बहुत आसान, गूगल पे फोन पे पेटीएम से डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो आप लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, प्लस जो है आपको बहुत सारे जो है ऑफर मिल सकते हैं, मगर अभी आपको ऑफर कोई नहीं लेना है, कोई प्रमोशन बोनस नहीं लेना है, आपको सिर्फ आईडी क्रिएट करनी है, डिपॉजिट करना है, खेलना है और जीतना है, क्योंकि यहां पर 2 साइड बैट करना बहुत जरूरी है। स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका है यहां पर 102 रन 2 विकेट नुकसान पर, 13.5 गेंदें हो चुकी है, 37 गेंदों में 55 रन चाहिए जीतने के लिए। एक बार अगली गेंद निकोला कैरी के इस ओवर की, सामने मौजूद एशली गार्डनर, गेंद को भेजा है हवा में, यहां पर 6 रन के लिए छक्का बटोरा है इस गेंद पर एशली गार्डनर ने, 36 गेंदों में चाहिए 49 रन, और यहां पर स्कोर पहुंच गया है सिडनी सिक्सर का 108 रन 2 विकेट नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति के बाद। बढ़िया ये शॉट था, इस बार सीधे बल्ले से खेल दिया इस गेंद को यहां पर एशली गार्डनर ने, और छक्का बटोरा इस गेंद पर, जरूरत थी शॉट की, और काफी महंगा ओवर 15 रन आए इस ओवर से, 36 गेंदों में 49 रन चाहिए जीतने के लिए। अब आसान रिक्वायरमेंट रेट एक बार फिर से 9 से गिरकर 8.17 की हो चुकी है, और यहां पर स्ट्राइक पे होंगे एलिसा पेरी। एशली गार्डनर 14 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रही है, 2 चौके 1 छक्का लगाया है। एलिसा पेरी 25 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रही है। Deltin7 को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सब लोग Deltin7 पे आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लिंक को क्लिक करिए, आईडी क्रिएट करिए, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर नेम बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी जो है वो क्रिएट हो जाएगी Deltin7 ऐप के साथ। तो जाइए खेलिए, जीतिए, यहां पर
विड्रॉल जो है गारंटेड 15 मिनट के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर मिल जाता है, तो जाके खेलिए, ज्वाइन कर लीजिए डेल्टा 7 ऐप को। अब जो है यहाँ पर टू साइड बेट अवेलेबल है, लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्रमोशनल जो बोनस है वो मत ऐड करिएगा, बस बाकी सारी चीज़ें आपके पास है। हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कई लोग यार बिना लिंक के हमारे लिंक के थ्रू ज्वाइन करते नहीं, फिर मुझे बोलते हैं दिवाकर भाई ये हो गया तो मैं कैसे उनकी हेल्प करूँ, क्योंकि हमारे लिंक के थ्रू जो ज्वाइन करता है उन्हीं को जो है वो हेल्प मिल पाती है हमारे द्वारा। फिर चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, देखते हैं यहाँ पर 36 गेंदें 49 रन चाहिए जीतने के लिए, क्या होगा इस मैच का सूरत हाल। चैनल को सब्सक्राइब करके स्ट्रीम को लाइक करते रहिए, आप दबाव में है रॉबर्ट हरिकेन्स, रॉबर्ट हरिकेन्स को अभी भी एशली गार्डनर और एलिसा पेरी का विकेट जो है वो चटकाना पड़ेगा, तो क्या चटका पाएंगे, क्या यहां पर विकेट गिरा पाएंगी, देखना होगा। आखिरी की सिर्फ 36 गेंदें बची हैं इस पारी की, और देखना होगा इन 36 गेंदों में कितने रन यहां से बनाते हुए नजर आती है। सामने मौजूद बल्लेबाज यहां पर एलिसा पेरी, हिली जेंसन की पहली गेंद, बड़ा शॉट खेला इस गेंद पर, यहां पर चौका बटोरा है, 35 गेंदों चाहिए सिर्फ 45 रन, और दोनों बल्लेबाजों ने मन बना लिया है कि बड़े शॉट लगाते हुए नजर आएंगे। यहां पर लाइक करिएगा आप सब लोग, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर 14.1 गेंद हो चुकी है, 35 गेंदों में 45 रन चाहिए जीतने के लिए, और दोनों बल्लेबाजों के बीच 29 गेंदों में 43 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। हिली जेंसन के ओवर की है, दूसरी गेंद सामने मौजूद है एलिसा पेरी, क्या बड़ा शॉट लगाएंगे एक बार फिर से, जी नहीं इस बार संभली हुई बल्लेबाजी, सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ जाएंगे यहां पर एशली गार्डनर। ये दोनों बल्लेबाज अब गेम को बिल्कुल मोमेंटम को शिफ्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, और रॉबर्ट हरिकेन्स के हाथ से ये मुकाबला जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, और जुड़ रही है मुकाबले में, काफ़ी बढ़िया ये गेम चल रहा है। 2 गेंदों में 5 रन बटोर लिए हैं, अगर एक चौका और आता है तो प्रेशर जो है फिर से रॉबर्ट हरिकेन्स के ऊपर होगा। रॉबर्ट हरिकेन्स को चाहिए विकेट और सिडनी सिक्सर को चाहिए यहाँ से रन। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया एशली गार्डनर ने, सिंगल बटोरा है इस गेंद पर, स्कोर की अगर बात की जाए तो 114 रन बन चुके हैं, 2 विकेट नुकसान पर 14.3 गेंदों के बाद 33 गेंदें 43 रन। आसान लग रहा है ये मुकाबला, मगर क्रिकेट में कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, अगर यहाँ से 2 या 3 विकेट गिरती है तो गेम शिफ्ट हो सकता है, क्या गेम शिफ्ट कर पाएंगे देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक करिएगा। चौथी गेंद हिली जेंसन के इस ओवर की, सामने मौजूद एलिसा पेरी, बड़ा शॉट खेला, चौका बटोरा इस गेंद पर, एक और चौका आता हुआ यहां पर हिली जेंसन की गेंदबाजी में, बढ़िया ये शॉट था और बढ़िया ये बाउंड्री बटोरी यहां पर एलिसा पेरी ने। 28 गेंद में 41 रन बना चुकी है, कप्तान ने यहाँ पर कप्तानी पारी खेली, एक छोर संभाल के रखा हुआ है, और दोनों बीच में दोनों एशली गार्डनर और एलिसा पेरी मिडल ऑर्डर में जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रॉफी जीतने की हकदार है ये टीम। आप देखना होगा इस ओवर में 10 रन आ चुके हैं अब हिली जेंसन के ओवर की आखिरी गेंद, पांचवी गेंद माफी चाहेंगे, देखते हैं पांचवी गेंद को किस तरीके से खेलेंगे। 32 गेंद 39 रन चाहिए जीतने के लिए, ध्यान रखिएगा 11:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, एक और मुकाबला है वो बिग बैश का इसी ग्राउंड के ऊपर, और तो जुड़ना मत भूलिएगा आप सब लोग। सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर का मुकाबला है, इस बीच सिंगल लिया इस पांचवी गेंद पर एलिसा पेरी ने, स्ट्राइक पे हैं एशली गार्डनर, 119 रन 2 विकेट नुकसान पर 14.5 गेंदे हो चुकी हैं यहां पर, 31 गेंदों में 38 रन चाहिए जीतने के लिए, अब यहां से बढ़िया चल रहा है। चलिए अगली गेंद हिली जेंसन के इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने मौजूद एशली गार्डनर, 11 रन बटोर चुकी है इस ओवर से, आखिरी गेंद पर सिंगल लिया एशली गार्डनर ने, 15 ओवर की समाप्ति के बाद 120 रन 2 विकेट नुकसान पर सिडनी सिक्सर वुमेन्स का स्कोर है। 30 गेंदों में 37 रन चाहिए, आसान लग रहा है ये टोटल अब चेज करना, देखते हैं आसानी से क्या इस टोटल को बढ़ा पाएंगे। यहां पर जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा। वाई हैदरग्राम नॉट बॉलिंग, भाई नहीं करना, नहीं मन होगा भाई, नहीं कर रही इसलिए फन भाई, गुस्सा आपको गुस्सा हो रहा है, हैदरग्राम का मन नहीं होगा गेंदबाजी करने के लिए, इसलिए आज गेंदबाजी नहीं कर रही है। आप सब लोग जुड़ रही है, सब्सक्राइब करते रहिए, इंजॉय करिए यार, आप कैसे कर रहे हैं यार हैदरग्राम गेंदबाजी। फन भाई थोड़ा सा रुक जाओ, सबर करो, सांस तो लो फन भाई, सांस तो लो, क्या ये ऑटो पर लगा रखा गया, स्पैमर हो गया एक नंबर के तुम। फन भाई तो लगातार ही मैसेज कर डाला भाई, कौन हो गया, डिलीट हो गया मुझसे, कौन सा यूजर हाइड हो गया भाई गलती से। अरे भैया कौन से यूजर जो है हमारे से हाइड हो गया भैया, एक भाई यूजर जो है हमारे स्पैमर हो गया भैया, हाइड दिस यूजर ऑन, भाई
हाँ जी अब हुए जाके, ये बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, अगर बात करें यहाँ पर। हाँ फन भाई को थोड़ा हाइड किया है चैनल से यार, बिल्कुल बिल्कुल लगातार रिटीटिंग एक ही मैसेज लगातार कर रहे थे। 30 की तरफ 37 रन चाहिए, ज़्यादा बड़ा मुकाबला रह नहीं गया ये। आप सब लोग बिल्कुल डेल्टिन सेवन आपके साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल में पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का। काफ़ी लोग जो है वो खेल रहे हैं डेल्टिन सेवन, 15 मिनट के अंदर आपको विड्रॉल मिल जाता है, 15 मिनट के अंदर आपको विड्रॉल जो है मिल जाएगा। तो जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, डिपॉजिट करिए, खेलिए और जीतिए। यहाँ से ये मुकाबला काफी बढ़िया रहेगा, खेलिए और जीतिए इस मुकाबले में। एक बार फिर से निकोला कैरी को बुलाया गया, अपील हुई है, जोरदार अपील है, एश्ली गार्डनर यहाँ पर कैच आउट हो गई है। एक और झटका लगता हुआ यहाँ पर जो है एश्ली गार्डनर के रूप में, यहाँ पर निकोला कैरी ने चटकाई है विकेट। निकोला कैरी विकेट चटकाते हुए नजर आ रही है, यहाँ पर विकेट जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक और झटका लग गया यहाँ पर सिडनी सिक्सर की टीम को, 120 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा। दबाव बहुत बड़ा है जी, दबाव बहुत बड़ा बढ़ गया है। एक बार थर्ड अंपायर की मांग करी गई है, चेक होगी शायद, एक बार कैच को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, कैच है कि नहीं देखना होगा और किस तरीके से गेम चलेगा यहाँ पर देखना होगा। कैच को चेक किया जा रहा है, 120 रन 3 विकेट नुकसान पर। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम को करिए लाइक और डेल्टिन सेवन पर जाना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैनल अंदर मैंने पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, मिनिमम डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का। तो 100 रुपये डिपॉजिट करके आप यहाँ पर खेल सकते हैं, जीत सकते हैं। यहाँ पर निकोला कैरी की ये गेंद थी, बिल्कुल क्रीज के अंदर से फेंकी हुई गेंद थी, ये बस स्लोअर वन गेंद थी, ऑफ स्टंप के ज़्यादा ही बाहर थी, बल्ला चलाया ज़रूर था, ऐसा लग रहा है आउटसाइड एज लगा है, मगर यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा शक लग रहा है कि एश्ली गार्डनर जो कैच है जो पकड़ी है यहाँ पर लिजी ली ने, क्या वो सही तरीके से पकड़ पाई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब गेंद और ग्लव्स का संपर्क हुआ तो ग्लव्स ने बिल्कुल गेंद को ढक लिया था, तो पता नहीं ज़मीन पर लगी है कि नहीं, वो तो अंपायर देगी। यहाँ पर एच तो लगा था, एच बिल्कुल लगा हुआ है, बल्ले से बाहरी किनारा तो लगा, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिला है। और यहाँ पर देखना होगा भाई लिजी ली ने कैच सही तरीके से पकड़ा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि शायद लिजी ली ने कैच पकड़ने में थोड़ी सी गलती कर दी है, हाथ पूरे जो है अच्छी तरह से नीचे लेके नहीं आई है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखना होगा 131 लाइक हो चुके हैं यहाँ पर, और 19 भाई और लाइक कर दीजिएगा, आंकड़ा पूरा हो जाएगा 150 लाइक्स का। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और जुड़े रहिए हमारे साथ इस मुकाबले में। अब इसके बाद जो है एक और मुकाबला होना है अभी, जो है सिडनी थंडर वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर का, उस मुकाबले में हमारे साथ जुड़िएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा उस मुकाबले में और देखने में कि कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है और कौन सी टीम किस तरीके से आगे चलती है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इंजॉय करिएगा इस मुकाबले में। यहाँ से अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर कैच को चेक किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि गेंद जमीन में टकराई है, तो यहाँ पर अंपायर ने अपना फैसला बदल दिया है और जीवित रहेंगी, जीवित तो है वैसे एश्ली गार्डनर, मगर यहाँ पर अब इनकी पारी जो है वो जीवित रहेगी, नॉट आउट दिया है यहाँ पर जो है अब थर्ड अंपायर ने, तो एश्ली गार्डनर बल्लेबाजी जरूर करेंगी, यहाँ पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगी। यहाँ से 29 गेंदें 37 रन चाहिए जीतने के लिए, और सपोर्ट कर रहे थे यार सिडनी सिक्सर को, अच्छा खेल रही है, अच्छा खेल दिखाया, जिन्होंने लॉस्कट बुक सेट नहीं किया वो कर लीजिएगा जरा। चलिए चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, यहाँ पर दूसरी गेंद इस ओवर की निकोला कैरी के सामने मौजूद है, एश्ली गार्डनर पर फिर से स्लोर वन गेंद, ड्राइव लगाया इस गेंद पर, कवर फील्डर ने गेंद को फील्ड जरूर किया यहाँ पर, और यहाँ पर रन लेने से मना किया एश्ली गार्डनर ने, शायद इस ओवर में बड़े प्रहार करना चाहती हैं। पावर सर्च ले लिया गया है जी, पावर सर्च लिया हुआ है, इसलिए सोच रही हैं थोड़े से बड़े हाथ खोले जाएँ, बड़े शॉट लगाए जाएँ। यहाँ पर 121 रन 2 विकेट नुकसान पर स्कोर हो चुका है सिडनी सिक्सर का, 2 गेंदें हो गई हैं इस ओवर के, अभी तक रन नहीं आया है। 28 गेंदों में 37 रन चाहिए जीतने के लिए। अगले गेंद निकोला कैरी के बाद फिर से कदमों का इस्तेमाल करा था, मगर इस बार वाइड गेंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्रीज से थोड़ा सा बाहर ये गेंद थी, और अंपायर को कुछ निकोला कैरी कहती हुई कि यहाँ पर शफल करके ऑफ स्टंप की तरफ चल के आई थी यहाँ पर, और एक सिंगल जुड़ता हुआ यहाँ पर सिडनी सिक्सर के खाते में, 122 रन 2 विकेट नुकसान पर। यहाँ पर 15.2 गेंदों के बाद वाइड करा दिया अंपायर ने, थोड़ा सा चलाकी करते नजर आई थी यहाँ पर। देखना होगा इस मुकाबले में स्कोर की अगर बात की जाए तो स्कोर हो चुका 122 रन। अगली गेंद बार निकोला कैरी के ओवर की, एक बार फिर से लो फुल टॉस, ये गेंद थी, सीधे बल्ले से खेल दिया यहाँ पर पैरी ने सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गए एश्ली गार्डनर, स्कोर हो चुका 123 रन 2 विकेट नुकसान पर। ये ओवर में आए हैं 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन,
तो यहां से बस अब मुकाबला फिनिश होने की कगार पे है। अब देखते हैं इस अंतिम समय में कौन जी अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, विकेट चटकाएगा या फिर रन बनते हुए नजर आएंगे। जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में, मुकाबले के बाद इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का भी मुकाबला है। चलते चलते अगले गेंद की तरफ, इस बार लो फुल टॉस, ये गेंद गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में। एश्ली गार्डनर ने चौका बटोरा इस गेंद पर। 26 गेंदों में चाहिए 30 रन जीतने के लिए। बढ़िया ये शॉट था और बढ़िया ये बल्लेबाजी है। अब देखना होगा किस तरीके से ये गेम आगे की तरफ बढ़ता है, कौन जो है गेम को आगे लेके जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी अब यहाँ पर उछल कूद चल रही है बल्लेबाजी में। अब आगे देखना होगा किस तरीके से गेम चलता है। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम कर दीजिएगा लाइक, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा, यहाँ पर इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला भी होना है आज ग्राउंड में, तो क्या आज होता हुआ नज़र आएगा। चलते हैं जरा गेम की तरफ, देखते हैं गेम किस तरीके से यहाँ से बढ़ता हुआ नज़र आता है और कौन सी टीम किस पे भारी पड़ती है इस मुकाबले में। मुकाबले में अभी भी शुरुआत होने वाली है। चलते हैं जरा मुकाबले की तरफ, एक बार फिर से इस ओवर में आए 2 रन, इस 5वीं गेंद पर स्कोर हो चुका है 129 रन 2 विकेट नुकसान पर। यहाँ से चाहिए 25 गेंद में 28 रन, ज़्यादा बड़ा स्कोर लग नहीं रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्कोर बचा हुआ है। यहाँ पर शायद लग रहा है 2-3 ओवर में ही ये मुकाबला जो है ख़त्म करने की कोशिश रहेगी एशली गार्डनर और एलिसा पैरी के लिए। एशली गार्डनर को अगली गेंद, इस बार सामने मौजूद गार्डनर, लो फुल टॉस, ये गेंद सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद गई सीधा कवर की दिशा में, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद वहाँ पर और 2 रन और जुड़ते हुए खाते में 131 रन 2 विकेट नुकसान पर। 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 26 रन चाहिए जीतने के लिए 24 गेंदों में। बिल्कुल सिडनी सिक्सर की पॉकेट में ये मुकाबला चल रहा है और बिल्कुल संभल जाइएगा, आप सब लोग संभल जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सिक्का जो है इस मुकाबले का बिल्कुल जो है वो एलिसा पैरी के हाथ में है और ये मुकाबला भी बिल्कुल हाथ में है। गेम बस फिनिश हो रहा है यहाँ से और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से मुकाबला जो है वो सिडनी सिक्सर जीते। क्या जीत पाएगी वो तो वक्त बताएगा। अब यहाँ से चलना होगा, देखना होगा क्या करते हैं यहाँ से गेम को, किस तरीके से गेम चलता है। यहाँ पर आखिरी कुछ ओवर बचे हुए हैं, 24 गेंदों में सिर्फ 26 रन चाहिए जीतने के लिए और यहाँ पर अब गेंदबाजी देखना होगा कौन करने आएगा। निकोला कैरी आज कुछ खास कर नहीं पाई, 4 ओवर की 41 रन दिए, खासा महंगी रही हैं आज और उम्मीद यही है कि अगले कुछ मुकाबले में शायद कुछ कमाल करें, क्योंकि देखिए पॉइंट्स टेबल का सारा खेल है ये, पॉइंट्स टेबल के खेल में क्या आगे पहुंच पाएंगे। चलिए यहाँ पर एमी स्मिथ आई है गेंदबाजी करने के लिए, एलिसा पैरी को ये गेंद, बड़ा शॉट खेला, चौका बटोरा इस गेंद पर। तो यहाँ से बस अब मैच को फिनिश करने की होड़ में लगी हुई है यहाँ पर एलिसा पैरी और एशली गार्डनर। 23 गेंदे 22 रन चाहिए जीतने के लिए और मुकाबला सिडनी सिक्सर की जेब के अंदर है। क्या यहाँ से भी कुछ कमाल हो सकता है, लग नहीं रहा कुछ कमाल कर पाएंगे, कुछ जिस तरीके से ये गेम चल रहा है आसान लग रहा है ये मुकाबला। सामने मौजूद बल्लेबाज यहाँ पर गेम किस तरीके से पलटते हैं, गेम इस तरीके से पलटते हैं और जिस तरीके से पलटा है इस गेम को, सिंगल लिया इस गेंद पर और सिंगल लेते ही यहाँ पर स्ट्राइक पे आ जाएंगी बल्लेबाज यहाँ पर जो है एशली गार्डनर। तो अब चाहिए सिर्फ 22 गेंदों में 21 रन, मुकाबले को ख़त्म करने की तैयारी चल रही है, क्या ख़त्म कर पाएंगी देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, स्ट्रीम को लाइक कर दीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया चल रहा है और ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है भाई, मुकाबला तो ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। क्या होगा इस मैच का सूरत हाल, 137 रन बन चुके हैं। तीसरी गेंद पर भी सिंगल लिया एशली गार्डनर ने, स्ट्राइक पे आ गया एलिसा पैरी। चौथी गेंद यहाँ पर एमी स्मिथ के इस ओवर की, क्या बड़ा शॉट लगाने की कोशिश रहेगी। इस बार गेंदबाज थोड़ा सा रुके हैं और गेंदबाजी करते हुए रुक जाइए, सब्र करिए। चौथी गेंद फिर से डल रही है यहाँ पर, चौथी गेंद इस बार 17वें ओवर की, सामने मौजूद एलिसा पैरी, इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। स्कोर अभी भी 137 रन 2 विकेट नुकसान पर, 16.4 गेंदें हो गई हैं। 20 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए जीतने के लिए और यहाँ पर आप सब लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जुड़ रही हैं हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्या यहाँ से एक ज़बरदस्त खेल देखने को मिल जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से ये गेम आगे की तरफ चलता है यहाँ से, और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को और जुड़ रही है हमारे साथ इस मुकाबले में। मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहने की उम्मीद है, उम्मीद करेंगे कि ज़बरदस्त खेल देखने को मिल जाए यहाँ पर और ज़बरदस्त खेल जो है वो हो भी यहाँ पर। और चलते हैं ज़रा गेम की तरफ, अगली गेंद इस बार सामने मौजूद बल्लेबाज एशली गार्डनर, 5वीं गेंद पर सिंगल आया है, 19 गेंद में 19 रन चाहिए जीतने के लिए। इस बार फिर से सिंगल लिया एशली गार्डनर ने, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन 2 विकेट नुकसान पर, स्कोर हो चुका है सिडनी सिक्सर वुमेन्स का।
यहाँ से बस अब कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, कुछ ही ओवर्स रह गए हैं, तीन तीन ओवर रह गए हैं यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। छोटा नहीं नहीं है भाई, बिल्कुल भाई इससे क्या है, छोटा नहीं है आपके पास, चलिए कोई बात नहीं, छोटा मतलब रखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा बड़ा रखिए अपने पास। और ये मुकाबला बहुत छोटा सा हो गया यार, मज़ा नहीं आया। वाटर केन से पिछले दो मुकाबले अगर देखेंगे तो गेंदबाजी उस तरीके से हुई नहीं है, वहाँ पर टैला मैगराथ ने विध्वंसक बल्लेबाजी करी, यहाँ पर एशली गार्डनर और एलिसा पैरी ने 46 गेंदों में 70 रन की पार्टनरशिप करी और मुकाबले को ले गई। तो यहाँ पर जब ज़रूरत थी वाटर केन से अच्छी गेंदबाजी की, वो गेंदबाजी पिछले दो मुकाबले से हुई नहीं है। इस एक मुकाबला ये था और एक मुकाबला था एडलेड स्ट्राइकर के खिलाफ, क्या अभी भी ये तो मुकाबला ऐसा लग रहा है कि बस महज एक औपचारिकता बची है, क्योंकि सिर्फ अब सिर्फ उन्हें चाहिए 18 गेंदों में सिर्फ 18 रन। तब तक आप सब लोग जो है डेल्टिन 7 ऐप के साथ जुड़ जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। मिनिमम बैट सिर्फ 10 रुपये है, डिपॉजिट जो है सिर्फ 100 रुपये का है, 15 मिनट के अंदर विड्रॉल जो है आपका बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है, गूगल पे फोन पे पेटीएम से आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइक चैनल पिन कर दिया है, उस लिंक को क्लिक करके आईडी क्रिएट करिए, आईडी क्रिएट करना बहुत ही आसान है, रेफरल कोड डालने की जरूरत नहीं है, यूजर ने बनाइए, पासवर्ड बनाइए, मोबाइल नंबर डालिए, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी डेल्टिन 7 ऐप के साथ। यहाँ पर आप लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं दोनों साइड, अब आप जो है लॉस कट बुक सेट कर सकते हैं, टू साइड बैट कर सकते हैं, दोनों टीम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मगर बस आपको यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं मिल लेना है, ना आपको कोई बोनस मिलेगा या फिर ना आपको कोई ना आपको वेलकम बोनस मिलेगा, तो वो बोनस आपको लेना भी नहीं है। अगर आपको लॉस कट बुक सेट करना है, ट्रेड करना है, तो डेल्टिन 7 ऐप के साथ करिए, क्योंकि विड्रॉल जो है 15 मिनट के अंदर मिल जाता है। जाइए आईडी क्रिएट करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट के अंदर मैंने पिन कर दिया है। स्ट्राइक पे है एलिसा पैरी, मौली स्टेनो को बुलाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, 17 गेंद बचे हैं सिर्फ 17 रन बनाने के लिए अगली गेंद मौली स्टेनो के इस ओवर की। सामने मौजूद एलिसा पैरी, क्या यहाँ से बड़े शॉट लगाएंगे या फिर सिंगल रोटेट करेंगे? जी हाँ, सिंगल रोटेट किया यहाँ पर एलिसा पैरी ने और स्ट्राइक पे आ गई है, स्ट्राइक पे आ चुकी हैं बल्लेबाज। अब जो है वो एशली गार्डनर, एशली गार्डनर से उम्मीदें ज़्यादा, उम्मीदें बहुत ज़्यादा एशली गार्डनर से, ज़रूरत यही है कि एशली गार्डनर एक ज़बरदस्त पारी खेलते नजर आए और ज़बरदस्त खेला भी है। 24 गेंदों में 36 रन बनाए हैं एशली गार्डनर ने और स्ट्राइक पे आ गई हैं यहाँ पर बल्लेबाज एशली गार्डनर। 141 रन 2 विकेट नुकसान पर 17.2 गेंदें हो चुकी हैं, 16 गेंदों में 16 रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद इस बार सामने मौजूद यहाँ पर एशली गार्डनर, एक बार तीसरी गेंद मौली स्टेनो की सिंगल लिया इस गेंद पर, स्ट्राइक पे आ गई है एलिसा पैरी। 142 रन 2 विकेट नुकसान पर 17.3 गेंदों के बाद मुकाबला काफ़ी बढ़िया रहेगा यहाँ पर, 15 गेंदों में 15 रन चाहिए जीतने के लिए, मुकाबला यहाँ से बिल्कुल फिनिश है। छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि मुकाबला बहुत अब ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है, छोटा सा लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद छोड़ेंगे लाइव एक्शन में, क्योंकि ध्यान रखिएगा वुमेन बिग बैश का एक और मुकाबला जो 11:30 बजे शुरू होगा एडिलेड स्ट्राइकर वर्सेस सिडनी थंडर का, उस मुकाबले में भी जुड़ना मत भूलिएगा आप सब लोग। उम्मीद है यही है कि ज़बरदस्त खेल देखने को मिले और ज़बरदस्त खेल होगा अभी वहाँ पर। चलते हैं ज़रा गेम की तरफ, दिखाते हैं आप सबको, लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लिख रहे हैं भाई, बिल्कुल सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर जीत गए भाई, आज सिडनी थंडर का भी कुछ चांस रहेगा, कैसे समझ सकती है बताइए अगर आप सब लोग। यहाँ पर 138 रन 138 लाइक हो चुके हैं यार, प्लीज़ लाइक करिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, सदमाइए नहीं, घबराइए नहीं यार। यहाँ से अगर बात करें मौली स्टेनो के इस ओवर की, तो 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन आ चुके हैं और यहाँ पर 13 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए मौली स्टेनो ने। सामने मौजूद एशली गार्डनर, 143 रन 2 विकेट नुकसान पर 17.5 गेंदें हो गई है मौली स्टेनो की। ये गेंद सामने मौजूद एशली गार्डनर, एक बार फिर से सिंगल लिया इस गेंद पर और स्ट्राइक आ गई है एलिसा पैरी के पास। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यहाँ पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 144 रन 2 विकेट नुकसान पर 18 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एशली गार्डनर ने 26 गेंदों में 38 रन बनाए हैं, 5 चौके 1 छक्का लगाए हैं, अब सिर्फ 12 गेंदों में 13 रन चाहिए जीतने के लिए। चैनल को करिए सब्सक्राइब, स्ट्रीम कर दीजिएगा आप सब लोग लाइक।